नए नए चेहरे देख के सारे हो। कैसे हो गाइस? हाय, हेलो जी, हेलो, नमस्ते। हाय एवरीबॉडी। रणवीर जी, बहुत सारे चेहरे हैं। फिनाले वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का बिग बॉस हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सभी ने पिछले 5 हफ्तों से मेरे प्यारे घर वालों पर कड़ी नजर रखी है। जाहिर सी बात है, आप सभी के दिल में मेरे घर वालों के लिए बहुत सारे सवाल होंगे और सब जानते हैं कि प्रेस के सवालों से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो फिर मेरे ये प्यारे घर वाले फिर कैसे बचेंगे? तो अब मेरे प्यारे घर वाले आप सबके हवाले, प्रेस अब अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। थैंक यू बिग बॉस। माइक फाइन? या, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। लव, आपके लिए सवाल है, लेकिन सवाल के पहले अगर एक बार पब्लिक डिमांड पे सिस्टम अगर हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाएगा। ला भाई सिस्टम। ओके, सवाल ये है, दोस्ती की अगर हम बात करें तो जो विशाल वाला मैटर हुआ था, जो अरमान वाला मैटर हुआ था, जो थप्पड़ वाला मैटर हुआ था, जो आपको लगता है कि वो वॉयलेंस जो हुआ था वो जस्टिफाइड था? आपने उस वक्त विशाल को तो गलत कहा, वहाँ तक आप फाइन थे, बट जब आप अंदर गए थे कन्फेशन रूम में, वहाँ पे आपने इस पूरे मैटर को स्पेशल केस करके कह दिया था। डू यू फील कि वो जस्टिफाइड था, वो सही था, या आप वहाँ पे गलत हो गए? ये पूरे मैटर पे अगर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक की बताता हूँ आपको। जितना भी मैंने उसको जज किया वहाँ पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर अरमान जी ने मेरे से किचन में पूछा कि अगर तेरी कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो क्या करेगा, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो रैप्टा मारूंगा। पर उसके बाद ही वो सब छोड़ के चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया। विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला, मैं कहा इसको ख़त्म कर एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना है अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर अरमान जी आते हैं और सारा मैटर होता, तो वहाँ पे दोबारा अरमान जी सोफे पे जाके बैठते हैं। मैंने कहा अरमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को, रणवीर जी को और दीपक जी को बुलाया वहाँ पर। तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़। इट्स स्टिल अ स्पेशल केस। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली। दिस इज़ मी अंपिका सिंह टली मसाला से। सो मेरा सवाल लवकेश आपसे है। जिस तरह से आपको घर में डीमोटिवेट किया गया, झगड़े के दौरान ब्लॉग बना रहे थे जब आप, एल्विश से मतलब ऐसा कहा गया कि आपकी कुछ आइडेंटिटी नहीं है एल्विश के अलावा, क्या ये जो जितना आपको डीमोटिवेट किया गया इसका असर आपको बाहर पड़ेगा आपकी दोस्ती पे, या घर में अभी मेंटल स्टेटस क्या है आपका? नहीं नहीं जी, दोस्ती तो मेरे लिए सबसे ऊपर ही है। मैंने विशाल को भी उस दिन बोला था कि मगर लाइफ बहुत बड़ी है, दोस्ती तो मैं आपको दिखाऊँगा। आप भी तो बिग बॉस तो चलो 30, 35, 40 दिन का होता, बाहर आप मेरे से मिलो, बहुत लंबी लाइफ है, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रही बात मेरी और एल्विश की दोस्ती की, तो मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं। वो भाई हालांकि मेरे से एज में छोटा है पर ओहदे और काम में बहुत बड़े हैं मेरे से, तो मैं आज उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शो से पहले करता था, और जब बाहर जाऊँगा जब भी उतनी ही करता रहूँगा, मतलब तो वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेंटल स्टेटस आपका कैसा अभी, जितना भी चीज़ें हुई आपके साथ घर में? मेंटल स्टेटस तो थोड़ा सा हिला सा पड़ा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा। कई अप्स देखे, कई डाउन्स देखे, पर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है इस घर ने मुझे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है, मैं TV9 से हूँ। मेरा सवाल जो है वो लव और सना दोनों से। आपका हमेशा ये एटीट्यूड क्यों रहता है कि हम करें तो सही और दूसरे करें तो गलत? आपको नहीं पसंद लव कि कोई आपको एड़ा खोटा बोले, आप तो पूरी सीज़न साड़ा 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 बोल रहे हो। जब रणवीर और आपका झगड़ा हुआ सना, तब आपने कहा कि उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन मेंढक आपने पहले बोला था, देन उन्होंने नागिन कहा था, जो आप खुद को कई बार बोलती आ रही हो, तो ये दोगलापन क्यों है आप दोनों का? You want to go first? मैं तो कर। So रही बात नागिन बोलने की, उसके एक दिन पहले ही हमें ना एक्टिविटी रूम में हमारा एक वो टेस्ट ट्यूब वाला टास्क चल रहा था जहाँ पे मेरी और रणवीर जी की बहस हो गई थी। एंड रणवीर जी और मैं, मतलब आई वॉज स्टेरिंग एट हिम, तो उन्होंने बोला नागिन जैसी आंखें नीचे रख। सो आई थिंक समवेयर वो मेरे अंदर रह गया था। एंड देन फिर जब वो नेक्स्ट डे पेट वाला टास्क हुआ था, तब अगेन हमारा स्टेरिंग वाला वो इंसिडेंट चल रहा था। तो जब आई थिंक आई गेव हिम बैक कि मेंढक जैसी आंखें नीचे रख, आई थिंक आई सेड दैट। एंड देन फिर वापस हमारा वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। शुरुआत में सबसे पहले आपने खुद को बोला कि मैं नागिन हूँ, मैं लोगों को धंसती हूँ। नो, ही कॉल्ड मी दैट रंग बदलू गिरगिट, समथिंग ही कॉल्ड मी। देन आई सेड मैं गिरगिट नहीं, मैं तो नागिन हूँ। आई सेड इट लाइक दैट। आई थिंक एक बार फिर सना जी वही कर रही हैं जिसके लिए वो घर में फेमस हो चुकी हैं, बात घुमाने में। जो टेस्ट ट्यूब वाले रूम में भी जब हुआ, जो इंसिडेंट की ये बात कर रही हैं, तब मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं विशाल से बात कर रहा था, जहाँ पर ये बीच में आकर मुझे कह रही थी कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का और अब यू नो आंखें मत दिखा मेरी। सो वंस अगेन शी इज़ यू नो चेंजिंग थिंग्स एंड making the narrative according to her. I don't want to get into a back and forth with her here in front of all of you lovely people, but fact is I'm sure wo show pe cheeze dikhti hain and I have nothing more to say about it. Lovekesh ji, mera to manna ye hai ki agar main kisi ke sath mazak karta hu aur agle wala bhi mere sath mazak kar raha hai, to main pura itna saksham hu ki wo kitna bhi mazak kar de, kitna bhi dark, kitna bhi humorous, main un cheezon ko badi lightly leta hu. तो आई एक्सपेक्ट कि अगले वाले को भी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे इतना मजाक कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए कुछ होगा जब भी मैं उसके साथ इतना मजाक कर रहा हूँ। हालांकि मैं कमी करता हूँ लोगों से, यहाँ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। तो देखो जी, मेरे को तो बुरा लगता नहीं कि कोई मेरे को कुछ बोल ले। हाँ, मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि भाई और मेरी एक बार झड़प हो गई थी, तो उस टाइम मेरा गुस्सा बाहर किसी और चीज़ पर था, पर वो निकल यहाँ गया, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है। और हम गलत नहीं बोलते। हमारे साथ ना, हम लोग जैसे हमारा इस घर में 3-4 लोगों से, आई डोंट नो अबाउट लवकेश और मेरी तो 3-4 लोगों से मतभेद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे आके पूछ नहीं रहा है कि हमारा साइड क्या है। यू नो, ये लोग आपस में बात करके वो कर लेते हैं, एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी साइड की स्टोरी भी तो आके सुनो, एंड देन यू सेट योर नैरेटिव और व्हाटएवर। तो मुझे वो लगता है, जहाँ मैंने 1-2 दफ़ा मैंने अरमान जी को भी बोला, मैंने कहा अगर आप में वो पेशेंस है तो आप प्लीज़ मेरे साइड का सुनिए। फिर बस मेरे को यही बोलना है कि हमारे साइड से भी सुनो कि क्या है। तो गलत सही हमने कभी ऐसा नहीं बोला, बट मेरा बस वही पॉइंट है कि आई डोंट नो अबाउट लवकेश, बट आई फील कि हमारी साइड की स्टोरी भी आप सुन लो तो बेटर रहेगा टू जज। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल अरमान आपसे और कृतिका आपसे है। आप अपने आप को, अभी फिनाले वीक है, बस अगले हफ्ते फिनाले है, क्या आप अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं इस शो में? डू यू थिंक अगर आप ये शो जीतते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? बिकॉज जब आप आए थे तो आप ऑफकोर्स आप पायल और कृतिका जी के साथ आए थे, फिर जो एक हुआ है अभी, जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुए आपके जहाँ पे यू लॉस्ट योर कूल, फिर उसके अलावा जो आपके साथ पीछे जो पर्सनल लाइफ में रहा, उसके बारे में आप बोस्ट करते हुए भी यहाँ पे घर में पाए गए, तो डू यू थिंक इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल अगर आप ये शो जीतते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और एक हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोलू के साथ जो हादसा हुआ, उस पर मैंने स्टैंड लिया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी ने बोला और उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ, ये कैमरे होते हैं या नहीं होते। तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना, और ये एग्जाम्पल सेट होगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना, सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए, और मुझे भी जीतना है, और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ, तो अगर मैं जीतूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम टीवी से हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं सर? और दूसरा सवाल ये है कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो, कृतिका और पायल ये तो हम फैमिली हैं, और अगर बात की जाए फैमिली में कोई किसी की पूछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता, फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते, भाई जैसा ही है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पर ठीक करने आया और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नज़रों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो चाहे फिर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंकविला से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने सना को ये कहा था, सना और विशाल से ये कहा था, इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है, और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए? और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था, और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे, इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है ये, वो चीज़ें हैं, तो गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोल सकता है। और ये बात मैंने बोली थी कि इन जैसों को मैं काम पर रख सकता हूँ और फ़िलहाल भी रख सकता हूँ, बाहर जाके भी रख सकता हूँ, तो ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे, इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। प्लीज़ सर जल्दी करना। जी बिल्कुल करेंगे। वेटिंग चेक बिल्कुल करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोर्स। मेरा सवाल साई से है, पर उससे पहले रणवीर जी, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, वी आर लविंग द चेंज ऑफ आउटफिट। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखिए सामने से गाली सुनने की, क्योंकि जब आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे? उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीज़न में देख के आए थे आप या ये क्या? किसी सीज़न में देखा नहीं है, और जो गाली मैंने बोली थी वो मैं किसी अपने दोस्त को बोल सकता हूँ, लेकिन जो लवकेश ने उस टाइम पर बोली थी वो काफ़ी हर्टफुल थी, तो इसलिए वो रिएक्शन वैसा था। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ सब सेटलमेंट हो गया, एंड आई थिंक दे आर गुड फ्रेंड्स नाउ। तो आपकी गाली हर्टफुल नहीं थी उनके लिए? क्या आपकी गाली उनके लिए हर्टफुल नहीं थी, पर उनकी गाली आपके लिए हर्टफुल? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने जो गाली बोली शायद मैं अपने दोस्त को भी बोल सकता हूँ गुस्से में, लेकिन जो लवकेश ने उस वक्त बोला था वो बहुत डीप था, बहुत डार्क था, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, एंड डाइजेस्ट नहीं हुआ इसलिए वो रिएक्शन वैसा निकला। मैंने माफ़ी भी मांगी, पर शायद आपका दिल उतना बड़ा नहीं था कि आपने माफ़ी। मैंने वही बोला था लवकेश को कि एक्चुअली लवकेश तुमने जिस तरह से माफ़ी मांगी थी वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर तुम अच्छे से मांगते यार दोस्त के जैसा आके, भाई आई एम रियली सॉरी, अगर आप पास में आके बोलते तो डेफिनेटली मैं इसकी सुन भी लेता। एंड अभी फ़िलहाल ऐसा मतलब माफ़ी ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड मैंने कल ही लवकेश से बात की थी, जब कल विशाल गया था तब मैंने लवकेश को ये बोला था कि भाई जो भी है सिर्फ यहाँ है, बाहर जाने के बाद हम सारे दोस्त ही हैं, फिनाले के दिन जब हम सब लोग मिलेंगे तो शायद हंसते हंसते मिलेंगे। हाय, मेरा नाम नवाज़ कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ, और मेरा सवाल अरमान आपके लिए है। तो जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने यू नो एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। कितनी बार आपने उन्हें कहा है कि बाल बांध कर आओ, ये कैसे कपड़े पहन लिए, आपने उनसे कपड़े चेंज करवाए, आपने उन्हें बोला इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, तो ये किस तरह की छूट देना हुआ? क्योंकि आप ही ने खुद कहा था कि उन्होंने मैंने अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है, किससे बात करे किससे नहीं बात करे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, और दूसरा कि क्या कृतिका आपके लिए फिनाले में जाने की एक सीढ़ी है? क्योंकि जब पायल इस घर में थी एज अ कंटेस्टेंट, हमने आपको उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करते हुए देखा जिस तरह से आप कृतिका को गाइड करते हैं। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आपको कृतिका पायल से ज़्यादा पसंद है? तो पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, इज्जत करना होता है कि किसी चीज़ के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीज़ें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले, और उसके बाद बाल बांधने वाले, जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी क्लीविज दिख रही थी, शायद वो वाली बात थी जो आप बोलना चाहते हो। और दूसरा जवाब मैं ये दे देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं किसी को आज एक ही बात बताता हूँ, जब सना ने ये बात बोली थी कि अरमान ना बातें करता है, झगड़ा भी करता है, फिर आगे बैठ जाता है, मेरा वो पहला क्वेश्चन था आखिरी में। अभी की बात है वो मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तो इनसे बात नहीं करेगी। इनको ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक गेम प्लान है तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है, पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मेरा मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने। मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की, और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी। कृतिका आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैं तो यही बात बोलूँगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बार पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, जितने भी लोग हम सब बैठे ये सब ऑडियंस के हाथ में है, तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चलेगी तो इनके पास मैं ही ऑप्शन है। अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करती जितनी अभी मेरी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है। हाय, मेरा नाम है रिचा और मैं सिनी स्पीक से हूँ। मेरा क्वेश्चन नेजी आपके लिए है कि जिस दिन डिबेट चल रही थी उस दिन साफ साफ कहा गया था कि जिसको अपने अपने फेवरेट ग्रुप में बैठना है वो बैठ जाए। आप उधर के ग्रुप में बैठे जहाँ पे ऑलरेडी आप तीन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ आप सना को पसंद करते हैं, तो लव, विशाल और शिवानी से आपकी ज़्यादा पटती नहीं। इधर के ग्रुप में रणवीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अरमान भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपने 3 वर्सेस 1 को क्यों चुना? और मैं आप तीनों से भी उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, तो नेजी प्लीज़। मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रही है कि 3 मेरे दोस्त नहीं थे, वैसा नहीं है कि मतलब शिवानी और लव अगर नहीं है तो विशाल और मकबूल मेरे दोस्त थे। क्या वो रणवीर और साई और रणवीर भाई तो हेड ऑफ द हाउस थे, रणवीर भाई उस तरफ थे ही नहीं, उस तरफ थे अरमान, साई और कृतिका भाभी, तो मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो मुझे उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से, समझ रहे हो, मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होएगा, शायद कृतिका भाभी और अरमान भाई से मेरा वाइब मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं ये ग्रुप में बैठा। अगर वाइब मैच नहीं होता तो आप बार बार जाते हैं अरमान से, गलती करने के बाद आप उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि साथ बैठने की बात अलग है और एक कनेक्शन की बात अलग है। अरमान भाई के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग भाई जैसा है, वो बड़े भाई जैसा है, मेरे को खाने पीने को देते, मेरी परवाह करते, गलत रहता हो तो मेरे को टोकते, मेरे बारे में फिक्र करते। अरमान भाई का वो जेन्युइन है और भाभी भी मेरा ख्याल रखते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर साथ बैठे, हम लोग साथ नहीं भी बैठते तो भी हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा है, और उस कनेक्शन के वजह से मैं बार बार अरमान भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साई, आप और अरमान क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि नेजी एज अ पर्सन बहुत जेन्यून है एंड वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा बने रहे, वो ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी एंड मुझे लगता है कि नेजी काफ़ी जेन्यून मुझे पहले दिन से लगता था। मुझे क्या था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, शांत रहता है ये चीज़ों को लेके, और बीच में जैसे क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, हेड ऑफ़ द हाउस के टाइम एक हमारी कहासुनी हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जा रहा था, मैंने इसको रोका, मैंने नेजी यार ऐसा मत किया, अगर मुझे ना बुरा लगता जब मैं तुझे बोलता हूँ, पूरे घर वालों के लिए नहीं लगता मुझे, और ना मैं किसी के सामने झुकता, पर मैं तुझे कह रहा हूँ भाई मत किया कर, तू अल्लाह का नेक बंदा है। इसने क्या किया, वो बात जाके आगे बढ़िया तरीके से पेश कर दी कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने भाई तुझे जो करना है कर, थोड़ा बस अकल का ताला खोल ले, कहीं गलत यूज़ हो रहा है बस। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विजय तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। सना, मेरा सवाल आपके लिए है, बार बार आपको क्लिप दिखा के बताया गया कि आपकी गलती है, बार बार बताया गया कि कैसे आपने इशारा किया था कि आप बाहर वाली हैं, लेकिन आपने उस बात को अंत तक नहीं माना, जबकि पूरे घर वाले आपकी वजह से, ऑलमोस्ट एवरीवन वेर हंग्री, किसी ने खाना नहीं खाया था, गैस की सप्लाई बंद हो गई थी, उसके पहले भी जब आपकी और रणवीर की लड़ाई हुई उसमें भी आपने सबसे पहले अटैक किया था, मेंढक वाली आंखें मुझे मत दिखा ये बोलकर, लेकिन फिर आप पूरे घर में ये बोलती हुई फिरती नज़र आई कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था वो फाइट, उन्होंने मुझे गट्टर छाप पहले बोला था, जबकि वो बाद में बोला गया था। बट वो मेरा सवाल ये है सना कि इतना आपका ईगो बड़ा है कि कोई भूखा मर जाए, चाहे कोई बड़ा हो मैं उसकी इंसल्ट कर लूँगी लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं लोग भूखे मर जाएं लेकिन मैं कैमरे पे जाके बिग बॉस को ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ गैस सप्लाई ऑन कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले भूखे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आपका ईगो आपसे इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं झुकेगा नहीं साला? नहीं वो बात नहीं है। रही बात अगेन वो बाहर वाले टॉपिक पे, तो मैंने मैसेज पढ़ा नहीं था, वो दिखाया जो गया मैं खुद उस पर अग्री करती हूँ कि वो गलत दिखा, बट आई नो कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही थी और वो सिचुएशन क्या थी। तो बाकी सब घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं गलत किया। सो बट बिग बॉस ने जब वो इंसिडेंट दिखाया तब इवन आई अग्री कि जो दिख रहा है यू नो वो सच है। फिर उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला सना तूने गलत किया है। अगेन आई वॉज स्टिल स्टबन कि नहीं मैंने नहीं किया है, मैंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं था, मैंने बाद में पढ़ा मैसेज। और मैंने विशाल को भी डाउट किया कि क्या तूने मेरा मैसेज देखा, क्योंकि मैं उसी से बात कर रही थी। तो वो इंसिडेंट था। इट्स नॉट दैट मेरा ईगो बड़ा है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बार बार जब आपको घर वाले आकर बोल रहे थे कि एक बार जाके कैमरे पे बोल दे कि मेरे वजह से बाकी लोग भूखे हैं, बिग बॉस गैस सप्लाई ऑन कर दो, आपने एक बार भी पहल नहीं की? नहीं, मैंने बोला कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मैंने ये बोला, बट मैंने एक भी बार पहल नहीं की। येस आई अग्री ऑन दैट। और रही बात वो रणवीर जी वाली टॉपिक की, तो एज़ यू गाइज आर सेइंग कि मैंने पहले स्टार्ट किया वो फ्रॉग वाला टॉपिक। मैं फ्रॉग वाले इस पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अगर गुस्सा चढ़ा है तो वो गटर छाप वर्ड से चढ़ा है। एंड देन आई लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर हिम। कई हद तक मुझे उस चीज़ का बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की जो मुझे लगा मैंने वो गलत किया, और वो मुझे उस बात का रिग्रेट है। आई थिंक मैंने 1 या 2 जन को बोला था कि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात किया, मैंने अपनी रिस्पेक्ट। वो बोस्ट कर रही थी कि आज तो मेरी हट गई, आज तो मैंने कोई मुझे गटर सब के नाम लेके आपने बोला वो नाक पड़ा मेरा निकल गया था। ऑफकोर्स बिकॉज ही कॉल्ड मी गटर छाप एंड आई कॉल्ड हिम गंदी नाली का कीड़ा। मतलब ऑफकोर्स यार वो बड़े है, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। और मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की है, लाइक लेजिट। सॉरी फिर भी नहीं कहा मुझे, बट मेरे को नहीं लगता मैं सॉरी बोली। इसके पहले वाले इंसिडेंट में भी सॉरी नहीं बोला था। तो रणवीर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि सना का ईगो सच में बहुत बड़ा है कि वो माफी नहीं मांगती? मैं तो उनकी तरफ घर में देखता नहीं, बोलता नहीं, तो ऑब्वियसली दैट इज जस्ट आप तो माइल्डली डिस्क्राइब कर रही हैं उनके बारे में। मेरे ख्याल उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। हाय, दिस इज़ सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपके लिए है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो, बट कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज़ निकलती है, तो आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी, आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। और मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे मैंने सबको बताया, और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सके। क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पर आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ। मुद्दा क्या होता है ना, कि आप सोचो विशाल था, उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं जब शिवानी ने डिसीजन लिया था, कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया। वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज़ के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी। जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई तो वहाँ से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है तो वाइफ बोलती है कि ये एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया आपने चीटिंग? वैसे आपको एक कॉमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता। रखा तो दोनों को ना, तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं। मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से, हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका, विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दें, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की शादी करके आपने आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ इस शब्द में आपसे कहना चाहती थी। साई केतन, आप बहुत हैंडसम हंक हैं और एक इमोशनल बंदा है। जब आप आए तो हमें लगा एक बीबा मुंडा आ गया, वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, हमें लगा सारे आईबॉल्स साई केतन पर होंगे और ये हमारा फेवरेट होगा और रहा भी। लेकिन फर्स्ट सेकेंड वीक के बाद ये रियलिटी शो है, आपके ना कोई मुद्दे हैं, ना आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ना आप कोई स्टैंड लेते हो, कोई भी क्लियर स्टैंडिंग, कोई क्लियर रिश्ता, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ रणवीर और अरमान की फ्लाइट में बोर्ड कर लिया, आपको लगा ये टॉप 2 कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने इनकी फ्लाइट पकड़ ली है और डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। पर ये सही नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और हमने आपको एटम बम निकला था, आप सोचा था आप फुसकी निकले, क्यूट थे ये बात अलग है, लेकिन आप फुसकी बम निकले। हमने आपको सोचा था कि आप एटम बम निकलोगे और ये शो में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अजम्पशन है ना, मुझे लगता है कि इट्स रियली रॉन्ग एंड ये नहीं कि मैं सिर्फ रणवीर या अरमान के साथ ही चिल आउट करता हूँ, मेरे और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जैसे कि नेजी भी है और जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं जो घर से चले गए वो भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो मैं सबके साथ बैठा हूँ, सबके साथ मैंने बात की है, सबकी कहानी मैंने जानी है और जहाँ मेरा मुद्दा है वहाँ मैंने बात की है। जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, एटलीस्ट मेरे लिए तो सही, तो मैंने वहाँ बात की है। फिर चाहे वो लवकेश हो या विशाल हो या सना मकबूल हो या बाकी जो भी हो, तो सबके साथ मैंने बात की। लेकिन एक है कि मैं हमेशा झगड़ा नहीं करूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमेशा मैं झगड़ा ना करूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ बातों के बाद, कुछ एक टाइम के बाद झगड़ा हो जाता है, बिकॉज हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है यहाँ का माहौल, तो इसलिए झगड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि झगड़ा ना करूँ। तो ऑफकोर्स लवकेश के साथ भी काफ़ी सारे अनबन हुए थे, लेकिन आई थिंक अभी वी आर ऑन द सेम पेज। तो आई थिंक आपका जो अजम्पशन है वो कहीं तो हिला हुआ है। मुझे हमें मेरा कहने का मतलब ये था कि आप स्टैंड नहीं लेते, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रखते, आप सेफ खेल लेते, जबकि शुरू में 1-2 वीक आपको देखकर लगा था आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगे और आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन गेम में रियलिटी शो वाइज आप उसमें कम पड़ गए। ये मेरा अपना, ये आपका होगा मैम, लेकिन मैं हाँ एज अ पर्सन मैं सेफ भी खेलना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अरमान की तरफ सपोर्ट करूँगा या रणवीर की तरफ सपोर्ट करूँगा। मैं अगर मुझे लगता है कि कोई और मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग है तो डेफिनेटली मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन ये नहीं कि इट्स ओनली फ्रेंडशिप, यहाँ दिस इज ट्रू बॉन्ड है। सो आई थिंक योर अजम्पशन इज समथिंग वियर्ड। कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो मतलब अपने आपने अपने मतलब अपनी जो फ्रेंड है आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके 1 हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप मतलब आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग्स में बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी और ठीक है मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी, मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊं, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए, हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती, बस मेरा सवाल इतना है। बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत मुझे पता है पायल ने सही किया है और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। Hi everyone, this is Shachi from midday.com. सर मेरा सवाल रणवीर सर और कृतिका दोनों से है कि जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें रणवीर सर जब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि आपको ज़्यादा राशन किस साइड देना है तो फिर इतना लंबा टास्क की ज़रूरत ही क्या थी। और कृतिका अगर आपको जब शिवानी ने आपको आउट किया इतनी ज़ोर से मिर्ची लगी थी अनफेयर अनफेयर करके, तो जब यहाँ अनफेयर हुआ तो आपने क्यों बोला हाँ हाँ दूध तो हमें दे दो, आटा तो हमें दे दो, चाय पत्ती भी दे दो, कॉफ़ी भी दे दो। पहले मैं जवाब दूँ, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि अनफेयरली बटा है राशन। राशन बिल्कुल फेयरली बटा था, सिर्फ उसमें 2 या 3 पेनल्टीज़ जो मेरे हिसाब से डिबेट में लवकेश ने अपने बिहेवियर की वजह से जो स्कोर की थी उसकी 3 चीज़ें मैंने, इनफैक्ट 2 चीज़ें मैंने एज पेनल्टी ली थी। पहली बात घी, वो इसलिए क्योंकि वो घी जो घर में था इन्होंने शुरू किया था झगड़ा कि खुल के खाओ जब इनको घी खाना था, सो घी की पेनल्टी एक मारी थी। दूसरे दूध की पेनल्टी मैंने मारी थी क्योंकि दूध पे झगड़ा मकबूल ने शुरू किया था कि नहीं सब लोग अपने अपने डब्बे बांट लो, सॉरी जो भी सेकंड मकबूल भी थी शायद, नहीं मैंने तो अग्री किया वो चाय कॉफी। एक मिनट लेट मी फिनिश। दूध ज़्यादा पी, तो ये 2 पेनल्टीज मैंने स्कोर की थी। बाकी जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि मैंने अनफेयर किया है, मैं अगर आटा चावल भी उल्टा कर देता तो लवकेश और सना भूखे मर जाते बिकॉज ये लोग आटा नहीं खाते तो इसलिए इनको चावल दिया गया। ये मोस्टली वेजिटेरियंस थे इसलिए सब्जियां इनको दी गई। अब ये जब चावल और सब्जियां वहाँ चली गई तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी तो कुछ खाएगी तो ऑब्वियसली आटा वहाँ जाएगा, दालें वहाँ जाएंगी। सो मैं सिवाय ये 2 चीज़ों के घी और दूध के सब कुछ फेयरली बांटा गया। एक और चीज़ जो अनफेयर हुई वो ये थी कि जब मैं बाँट रहा था मैंने पहली प्रेफरेंस इस साइड को दी कि क्या लेना है चाय या कॉफ़ी, उन्होंने कहा हम लेंगे कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी उनको दे दी। मैंने कहा ये लो, इनको कहा मैंने कहा चाय ले लो, लवकेश ने फिर अपना रूप दिखाया वापस ले लो हमको नहीं चाहिए, ये हमारे किसके क्या करते हैं। मैंने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार मैंने चाय भी उधर दे दी। सो दिस वॉज बिकॉज एज अगर मैं एज मुझे एज हेड ऑफ हाउस बीच में एज संचालक बिठाया गया है और अगर मैंने 1 घंटे की डिबेट कंडक्ट की है तो उसमें कुछ तो स्कोर हो ना कि कोई जीता कोई हारा। इट कांट जस्ट बी 1 घंटे के बाद अच्छा लो राशन आधा आधा जिसको जो लेना है ले लो। सो एज संचालक इट वाज माय ड्यूटी विच आई परस्यूड एंड मैंने कोई अनफेयरनेस नहीं दिखाई। यस, जो पेनल्टी पॉइंट्स इन्होंने जो मिस स्कोर किए वो मैंने फटके दिए इनको। अगर रणवीर जी आप कहते नजर आए थे अरमान के साथ कि 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो अपनी तरफ आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप दिखाइए मैंने कहा था 2 चीज़ें जो किसी हरियाणवी को सबसे ज़्यादा प्यारी होंगी, घी घी और दूध हुई थी। तो प्लीज आप ध्यान से पहले देखें क्या कहा है, फिर बनाइए, क्योंकि आप प्रेस हैं, यहाँ पे छोटी चीज भी बड़ी हो जाएगी। सही बात। मेरा भाई यही जवाब है कि मैं जब ये डिबेट हुई थी तो मैं बहुत इधर फेयर थी, मेरे को बस दो लोगों की टेंशन थी, एक लवकेश भाई की, और मैंने ये बात बोली थी कि लवकेश भाई को चावल दे दो और अरमान जी को आटा दे दो, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला था। बस मेरा यही था, उस साइड चावल जाए, इस साइड आटा जाए, ताकि ये रोटी खा ले और लवकेश भाई चावल खा ले ना, यही बात हुई थी ना जो मैंने बोला था। हाय, मेरा नाम आंचल है एंड आई एम फ्रॉम फ्री प्रेस जर्नल। मेरा सवाल सर आपसे है, रणवीर सर, आपने जैसे अभी कहा कि सना ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जब सना ने मुझे मेंढक जैसी आंखें और ये चीज़ें कही थी। सर आप भी उनके पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें कहते नजर आए, जब ये विशाल के साथ बैठी थी, जब वो टास्क हुआ जहाँ पर आप लोगों का राशन गैस सप्लाई बंद कर दी, तब आपने कहा था कि ये दोनों का बाहर कपल बन के निकलेंगे, और आपने विशाल को पूछा तू उससे प्यार करता है क्या, एंड इसके जैसी तो मैंने 200 छिपकलियाँ देखी हैं, इसके जैसी इसके सना जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमराज बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर इससे कैसे बात करते होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली जितनी बार आप अरमान, कृतिका, आप लोग सब बैठते हैं और आप लोग हमेशा सना के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं, मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस्ड, मतलब आप लोग उनके, आपका गेम उन पर चल रहा है, एंड इट इज़ नेवर द अदर वे राउंड। जब आप लोग बात करते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे राउंड दिख रहा है, तो इस पर क्या करें? थैंक यू। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज़ कि आपने जब ये कहा, जब ये चीज़ें कहीं कि सना ने अभी आपको सॉरी नहीं बोला, आपने भी उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, डू यू थिंक टू से समथिंग लाइक दिस फॉर अ गर्ल इज़ इट जस्टिफाइड? आंचल जी क्रोनोलॉजी समझिए, जो चीज़ें इंसिडेंट्स जो मेरे और इसके बीच हुए जहाँ इसको सॉरी बोलना था वो फर्स्ट हाफ में हुए हैं, ये जो आप बातें कह रही हैं जो हम लोग आपस में अब कर रहे हैं ये सेकेंड हाफ में है शो के। सो बिकॉज हर बिहेवियर हैज़ बीन लाइक दैट अर्लियर, येस वी आर सिटिंग एंड बिचिंग अबाउट हर। Now whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want, but I spoke my heart out, because when you are only 9 people in a house and you are full of emotions, you share with the people who have a friendly ear. So जहाँ तक सना मकबूल और उनके friends हमारे बारे में नहीं बात करते, वो हमारी तरह directly नहीं बोलते होंगे, but I am सर आप लोग भी आपस में ही बात करते हैं? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि हम लोग ज़्यादा, हमारी गेम उन पे ज़्यादा है, उसके लिए आप क्रोनोलॉजी देखिए। जहाँ तक इनकी है कि ये हमारे बारे में नहीं करते, ये डायरेक्टली हमारे बारे में नहीं करते होंगे, बट मजाक मस्ती में एक दूसरे टीचर ये हमको भी मारते हैं। ये हमारा जो छोटा अखबार था शिवानी, ये हमको बहुत बार सुना चुकी है। सो प्लीज़ हियर मी आउट, लेट मी फिनिश। Between somebody who is blunt and somebody who is scheming, I will always choose people who are blunt. So I find Maqbool scheming and I stay away from her. That is what I said. एक लड़की के बारे में ये चीजें कहना, वो लड़का लड़की बाहर इनका affair हो जाएगा, ये लोग couple बन के बाहर। हाँ, वो मजाक में मैंने बोला था कि ये जो because गैस बंद होने के बाद बावजूद जब हमने विशाल को बोला कि इसको बोलो कि कम से कम अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है ये तो बोल सकती है कि गलती सिर्फ मेरी है, बाकी सबको सज़ा मत दो। शी डिडंट हैव द हार्ट टू डू दैट। विशाल को जब हमने कहा कि यार तू इसको जाके कम से कम इतना तो बोल, विशाल कुडंट इवन डू दैट। विशाल सैट देयर 15 मिनट्स। वहाँ से दूर से हमने जो आप कह रही हैं, मैंने दरवाजे पे अरमान को बुला के कहा था कि ये देख ऐसे लग रहा है, इन दोनों को लग रहा है कि ये दोनों कपल बन के यहाँ से निकलेंगे। इट वॉज अ हाफ जोक, इट वॉज नॉट मेंट टू बी सीरियस। लॉट ऑफ थिंग्स आर सेड इन ह्यूमर, इन जेस्ट, जिसको आप शायद बहुत सीरियसली ले रही हैं, मे बी यू शुडेंट। आई डोंट केयर अबाउट दैट। वो ये शो की हर चीज़ बहुत सीरियसली आती है बाहर, कुछ भी हो, सो डजेंट मैटर। सो माई पॉइंट इज दैट इट, एक मिनट यार अरमान, सो आई एम सेइंग एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, एंड इफ़ यू कांट सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, आइसोलेशन में आप उसको ब्लो अप करना चाहती हैं, बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू डू इट। ग्रेट गाइज। अरमान जी आप मेरे में ज़रूर बोलना। ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूँगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने, मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहले नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है। शीशो वाला, उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब। आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी। चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते हैं तुझे, ये बोला था। शेमिंग में आता है सर। सर मुझे चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी। और अगर वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते हैं सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सुंदर, एक सेकंड सर, बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज़ आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा है, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है। तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज़ चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज़ के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूँगी। और उससे पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज़ गलत थी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज़ तो गलत लगेगी ना। और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ, आपने बोला चलो मैंने उसको बोला, उसके बाद अंदर सॉरी बोला, मैंने बॉडी शेमिंग की। और जो रोज़ मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे सामने तो कोई नहीं है सॉरी। 8वीं फेल बोला, जैसे सना सुल्तान मुझे बोलती है थुलतला, इसको मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी क्योंकि मैं लड़का था ना। उसी पे कुछ कहना चाह रही है, बताइए जी। मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट। तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते हैं, छोड़ ना तो इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, यू नो उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी। तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था। और रही बात मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है, विशाल ने day 1 से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ। आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, रणवीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत है, कि ये बात गलत है, आप समझिए ना। और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट मेरा भेद खुल गया। उसने ये भी बोला मुझे आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साई को बोल रही हूँ कि साई तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणवीर जी के कान में साई के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ। रणवीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना साई यही सोचेगा ना कि गलत था। आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है। तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूँगा आपकी वजह से पूरा रायता फैला, और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपके जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो। भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई, हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा है, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है पागल है क्या। और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता मैं क्या होता है। भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी था। आप मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा। उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था, जब मेरे को कोई बोले। ऑब्वियसली बात है किसी की बातें क्या एक्सक्यूज नहीं है। बाहर से जब कोई बोल रहा है उसके बाद अंदर का कंफर्म कर रहा है तो मैम ये तो अलग हो ही नहीं सकता ना। मैडम कंफर्म हो गया, वो सामने से खुद बोल रहा है मुझसे गलती या फिर चीज़ों को बोल रहा है, और उस टाइम फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है। देखिए सर, वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूँगी, वो चीज़ें ज़रूर देखूँगी, पर आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी। मेरा जो सबके साथ था वो सबके साथ सेम रिएक्शन था। और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो, मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर। आज से 4 दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और 4 दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे, डिबेट वाली बात। उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ किसके साथ मत बैठ। यहाँ तक कि हम एक बेड पर सोते हैं वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर। अब नहीं सर, अब भी बोला है, जब ये डिबेट हुई है ना, जिस दिन राशन वाला टास्क था उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें करे, तब भी इन्होंने मुझे किचन में बोली थी ये बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अब 3 दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं। लिपिका यह अरमान आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? मैडम कुछ रिश्ते वो ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ और बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं, मेरा नाम संदीप मलिक है। और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है। तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कन्फर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है। पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी। वो चीज़ें किसी को नहीं पता क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, 1-2 घंटे में हम नहीं सुना सकते। उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है, पर अब सही चल रहा है। पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं ना बड़ी जलकुकड़ियाँ होती हैं जी, तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से किस बीबी को सपोर्ट करते हैं? मैम देखो, आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है। एक बारी नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे, एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे। वो अपने घर थी, मैं अलग था, 1.5 साल के लिए अलग हो गए थे। और बात रही गेम की, अगर ये विनर है, पायल विनर है या मैं विनर हूँ या फिर यहाँ तक हम आए, हमारे लिए इतना काफ़ी। खैर इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। ओके रणवीर, यू सेड यू वर बिचिंग, सो यू अग्री दैट मेल आल्सो आर वेरी काइंड ऑफ यू नो दे बिच, वी ऑलवेज से दैट वीमेन बिचेस, मेल फीमेल एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, व्हेन दे कम इनसाइड दिस हाउस दे बिच। Hi, this is Alice Peter from Miss Malini. Sai, first of all, I have to tell you, I'm so happy कि आपने अपनी best friend की बात मानी, because fashion game is on point. Yeah, thank you so much. Okay, my question is for Sana Maqbool. BB team okay. बार कोई ठोक रहा है, please देखिए अगर बंदर होएंगे। बंद हो गया। Okay, my question is for Sana Maqbool. जैसे अरमान and Kritika just said कि this is a reality show and यहाँ पे real बनना बहुत ज़रूरी है and you can't be fake, right? Because there's so many cameras. But from day 1 till now, we can see this side that seems fake. थोड़ा problematic नज़र आ रहा है, egoistic नज़र आ रहा है, selfish नज़र आ रहा है and अभी तक वो वैसे ही नज़र आ रहा है. In fact, even weekend के वार पे अनिल सर keeps correcting you कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, वहाँ पे गलत जा रहे हो, but वो improvement नज़र नहीं आ रहा है वहाँ, मतलब बताने के बावजूद। And जब भी वो बताया जाता है आप बहुत ही ऐसे behave करते हो जैसे कि I am तो right only, ये नज़र आ रहा होगा but I am right. Why is this behavior so? Are you like this in real life also? I think so, yes. I am full of myself. मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी favourite हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है. I think so. Trust me. Day 1 से लोग मुझे बोल रहे हैं मैं फेक, बट मैं ऐसी ही हूँ. I mean in real life also और real सब में मैं ऐसी हूँ. मैं बात कम करती हूँ बट जब मैं बोलती हूँ like I like to give back. मैं किसी की सुन के नहीं लेती. So yes, I have that self love thing in me. Selfish की बात हो तो मैं पहले अपने आप को रखूँगी, बाकी मैं सबको देखती हूँ. And I don't think, मुझे नहीं लगता मैं रॉन्ग हूँ इसमें. मुझे सर भी समझाते हैं. In fact last weekend के बारे में भी सर ने मुझे समझाया कुछ चीज़ पे लेके. But कोई कोई लोग होते हैं जो ऐसे हैं, एंड आई एम लाइक दैट, सो इसमें कोई डिनायल नहीं है. जिसको समझ में आती हूँ ठीक है, जिसको नहीं आती हूँ सो नॉट माई बिजनेस. बट इवन इफ दैट्स अ सिचुएशन दैट यू डोंट लाइक सर्टेन पीपल, बट वहाँ पे ऑल्सो शायद से आप गलत हो, बट वाई डोंट यू एक्सेप्टेड उस टाइम पे फिर? सी आई मे फील रिग्रेट, मुझे बुरा लगेगा अपने आप से, बट अगेन इन्होंने बोला मैं ईगोइस्टिक हूँ, येस मैं ईगोइस्टिक हूँ. कमिंग टू योर पॉइंट, आई वुड से कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं नहीं हूँ उनके साथ. जैसे मैं पहले अरमान जी और कृतिका के साथ इनिशियली 1-2 वीक बहुत चिल करती थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, पर समवेयर मुझे कुछ वाइब अच्छी नहीं लगी, मैं हट गई. रणवीर जी से मैंने एक बार पूछा था कि रणवीर जी वाई आर यू सो एंटी अबाउट मी. उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता. आई ड्रू माई लाइन. अब इस घर में है तो काम काज को लेके सेम सर, नो बट इट्स ओके, या इट्स बोथ ऑफ अस यू नो. बट मैंने कोशिश की थी पूछने की कि आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, तो मुझे वहाँ से आंसर मिल गया. तो मैंने बोला ठीक है, इफ़ ही डजंट लाइक मी इट्स ओके, मुझे किसी को घर लेके जाना नहीं है. तो मैंने अपना पीछे मैं हट गई. मेरा सवाल पहला तो रणवीर जी से आपसे ही है. आपने कहा कि आपको ब्लंट लोग पसंद हैं, तो जब सना कहती हैं कि मैं जीतने के लिए आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई, तो ब्लंट हैं, बोल रही हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है? ब्लंट इज़ द मोड ऑफ सेइंग, नॉट व्हाट यू आर सेइंग. अगर खूनी कहे हाँ मैं खूनी हूँ, तो आपका यू विल नॉट हैंग विद देम, राइट? सो ब्लंटनेस, आई अप्रिशिएट ऑनेस्टी इन समन, बट what is being said honestly is a different matter, right? लेकिन अगर ये शो है और वो जीतने के लिए आई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जीतने मैं भी आया हूँ, जीतने अरमान भी आया है. लेकिन आपने तो कह दिया सर ट्रॉफी नहीं चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए. बट वो जीत के ही मिलेंगे ना. बट हम लोग दोस्त हैं. फर्क ये है, इनके लिए क्या है कि जो लगे कि सीरियस कॉम्पिटिशन है, दूसरों को उनके जो जिसकी लड़ाई उसके साथ हुई उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो. मतलब जो जो फल दूसरा गिरा रहा है वो इकट्ठे करने शुरू कर दो. ये शुरू से ही चल रहा है. सो ये उन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ये बोल के मैं तो ये तो करना है, और उन फल को बैठ के साथ में कहा हुआ है. मैं जीतने चाहती हूँ, मैं ही जीतूंगी, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आई हूँ, और फिर भी वो बैठे हुए हैं साथ में. हम नहीं बैठेंगे वहाँ जाके. ये फ़र्क है. So blunt is a way of saying things, yeah. But what is being said is more important, obviously. So you know. सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा कहती हैं कि मैं जीतने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ. आप लवकेश के साथ बैठी, विशाल के साथ बैठी, नेजी आपका दोस्त है, तो क्या कह सकते हैं ये दोस्त नहीं है आपके, आप सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं? और कहीं ना कहीं अहंकार इतना ज़्यादा हावी है कि आपको लगता है कि शिवानी भी डिजर्विंग नहीं है, हालाँकि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फिनाले तक जाने के काबिल ही नहीं है. तो इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि आत्मविश्वास का जो लाइन है वो आप क्रॉस करके अब ईगो की तरफ आपका जो पूरा जो है वो जा रहा है. तो ये अहंकार ज़्यादा है, आत्मविश्वास कम है. अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मैं आई एम समबडी जो इतने जल्दी दोस्त नहीं बनाती. मैंने लवकेश, नेजी और विशाल के साथ मैंने ओवर द टाइम मैंने अपनी दोस्ती ग्रो की है. इनको भी मुझसे इश्यूज थे, ट्रस्ट बोलो, लॉयल्टी बोलो, प्रायोरिटीज़ बोलो, इनको भी मुझसे इश्यूज थे. समवेयर मैंने उस चीज़ को ग्रो किया है. मैं बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती और मैं ये मानती हूँ मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ है लाइफ में, मैं किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ. तो रही बात इन तीनों की और शिवानी की भी, शिवानी को मैं ना एक छोटी समझती थी जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है यू नो, और मैं उसे, मुझे ऐसा लगता था मैं उसे बहुत अंडरस्टैंड कर रही हूँ. तो जब मैंने शिवानी को ये चीज़ बोली कि शिवानी आई फील तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, मेरा ये नहीं था कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, तुम यहाँ तक पहुँच गई तो इतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैंने उसको ये चीज बोली थी. ये गलत है, ये बोलना गलत है. इफ यू से सो, बट आई सेड इट, यस आई एक्सेप्ट दैट. मैंने उसको ये चीज बोली थी. बट बाकी रही बात इन तीनों की, तो यस मैंने ओवर द टाइम अपनी दोस्ती इनके साथ बनाई है. लवकेश, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है. भैया भाग्यशाली वाली दिन पे मैं आपको लेके आना चाहूँगी. आप बहुत क्लीन चिट लेके निकले हैं इस पूरे मामले में. विशाल गलत थे तो आप भी सही नहीं थे. मैं कहना चाहूँगी कि एक दिन पहले हुआ था सुंदर वाली बात. आपने नेक्स्ट डे कृतिका को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि भाई मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे. मैं बस जानना चाहूँगी कि आप क्या समझ गए थे कृतिका के बारे में? पहली बात तो ये, एक मैंने बार बार सेम चीज़ बोली है विशाल को. जब उसने किताब में बोली, फिर एक बार ये और फिर एक बार ये और, तो मैंने विशाल को हमेशा समझाया है कि मैं उसको छेड़ता था. मैं कहा अब तो उसने बाद में बोला, कह रहा मत बोल, बाहर गलत नज़र आएगा या फिर पकड़ा जाऊँगा या पकड़े जाएंगे, ऐसे उसने मेरे को बोला. तो एक टाइम ऐसा आया कि वीकेंड का वार आया, तो उस दिन भी मैं उसको यहीं पे समझा रहा था लाउंज में भी कि मक्का भाई देख, अंदर ही अंदर मैं तुझे जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तेरे को पता, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को बाकी से मतलब ही नहीं पड़ता, मेरे को अब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपने उनको गलत नहीं बोला, आपने बोला कि मुझे समझ आ गया कि तुम क्यों सुंदर कह रहे थे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं। कह रहे थे आपके, आपको भी लगती हैं सुंदर हैं, तो जब ऐसा है और जब चीजें हुई तो आप कैसे क्लीन चिट लेके बाहर हो गए? मैंने अगर विशाल को सेंटर में ले आए, मैंने अगर ये बोला भी होगा तो पहली बात तो मैंने गलत वे में बोला होगा, मैंने कान में नहीं बोला होगा, खुले में सामने बोला। आपने बड़ा चेकआउट किया उसके बाद बोला है। देखो आपको ऐसा लगता है तो मैंने बोला होगा, पर मैंने उस वे में नहीं बोला। अगर मेरे को दूसरा कहे तो फिर वो नहीं। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे। विशाल ने कह दिया गलत है, आपने कहा सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैंने बोला होगा। आपने देखा मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मतलब आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो। मुझे क्या लगता है कुछ लोगों की बाहर की आदतें ना यहाँ भी नहीं छूट रही। भाई मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट चुप रहा हूँ। बोल दिया मैंने, समझ गए कौन किसको कह रहा है। आप में से कोई भी बिना माइक के बात ना करे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को विशाल को समझाना था वो बिल्कुल समझ चुका है। इसलिए जब हमारी ये बात हुई थी कि इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी, मैंने कभी भी नहीं उठाया। और जिस दिन हम तीनों के बीच में इलेक्शन था उसने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे क्लियर भी किया। इतना ही कहना मुझे। Hi guys, this is Kinari Singh from Filmy Beat. Congratulations to all of you. मेरा सवाल नेजी आपसे है। Potential winner, you know आपका नाम काफ़ी बार आ रहा है that you do have the potential to win the show. लेकिन साथ ही साथ एक ये भी notion आ रहा है कि you have certain feelings for Sana Maqbool and कहीं ना कहीं आप उनके सामने बोल नहीं पाते, कुछ point अगर आपको बोलना रहता है आप नहीं बोल पाते and that is affecting your game. And let me tell you, even the evicted contestant, few of them also feel the same thing. So is it true? Do you have certain feelings for her? And if yes, कहीं ना कहीं वो आपके गेम पे अफेक्ट हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मेरे जो फीलिंग्स है, ने बोला आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। भमाए वाला अलग फीलिंग है भाई, तुम लोग सबको पता है भमाए क्या रहता है, समझ। भमाए मतलब लविंग फ्रेंड, बस वहीं तक। और मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जो बोलना है मैंने बिंदास उनको बोला है, मैंने अपने बारे में भी बताया उनको, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बाहर जाके बोलने वाला हूँ उनको जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। Not like that, but ये मुझे लेटर जरूर लिखता है। हाँ मैं हर हफ्ते लेटर लिखता हूँ। लेटर लिखते हैं, इंस्टेंट रैप। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गेम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। हालांकि मुझ पे इल्ज़ामात लगते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरे कान भरे जा रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं होशमंद हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता उससे मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है। Sana, do you want to say anything about Nezi's feeling? Have you ever felt the same? See, Nezi is that friend for me जिससे ना मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लगता है ना, तो आई थिंक मैं इससे बात करना पसंद करती हूँ कि नेजी तू बता मुझे क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कहाँ गलत गई। तो आई थिंक वो एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो आई थिंक इस घर में वो मेरे लिए वो है जहाँ मैं उससे जाके पूछती हूँ कि नेजी तू बता कि मैं गलत हूँ, तो ये मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और लेजिट ये मुझे ओपिनियन देता है कि तू ऐसी लग रही है, तू लालची लग रही है, तू ये लग रही है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता। और फिर नेक्स्ट डे वो लेटर में लिखता भी है। सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम एंड आई वांट दैट फ्रेंड, यू नो। इस घर में वो एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताए, एंड आई थिंक ही इज दैट फॉर्म। मैं ढूंढता हूँ कोई क्रिएचर आ जाए मुझे बचा ले इस घर से। डेजी बेसिकली रैपिंग करता है, मतलब वो अपने लिरिक्स बनाते रहता है बार-बार, तो उसका टैलेंट। हाँ मैं सोच में रहता हूँ, गहरी सोच में रहता है। इसने मुझसे नेगेटिविटी से बचने के लिए ऊपर देखता हूँ। हाय दिस इज चिराग फ्रॉम न्यूज़ 18। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपसे है। अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं ये तो विशाली है, बिग बॉस इसके लिए चूड़ियाँ बिंदी भिजवा दो। आपकी खुद दो वाइफ हैं, आपकी बेटी है, आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज़ करा। क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? पहली बात तो आप इस पे क्या कहना? मैं बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है ना कि हम किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ। उसके बाद वो किचन में मेरा वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती हैं? जो भी चुगली वाली कर रहा था उसके लिए बोल रहा था। और उसके बाद कोई नहीं, फिर मैं भी कर रहा था, मैं तो सामने कर रहा था, मैं पीठ पीछे नहीं करता। मेरी ये क्वालिटी है कि मैं सामने बोल देता हूँ, और उसके बाद अगर कोई इधर उधर है तो उसके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि जाके उसके बोल दे भाई जाके। और कृतिका, देखो इन दोनों की लड़ाई पहले पहले दिन से हो गई थी, एक बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए उस पर हुई थी, तभी आई थिंक तब की बात कर रहे हो ना आप, ये किचन में जो लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि अरमान क्या जिम में, हाँ जिम में मुझे याद नहीं है, देखो इतनी हाँ जिम में मैंने बोला था यहाँ पे उड़ता तीर कौन लेता, फिर वो मेरा नाम ले रहा था, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा था, याद है मुझे अच्छे से, मैंने बोला यहाँ उड़ता तीर कौन लेता है, तो यहाँ सामने बैठ के मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसने बोला था ए नाम से, फिर मैंने बोला वी नाम से, फिर हमारी बहस हो गई थी और तब मैंने उसके मुँह पे बोला था, याद है मुझे। हाय, मेरा नाम आकृति है बॉलीवुड बबल से, मेरा क्वेश्चन कृतिका आपके लिए है। कृतिका मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये घर में आप अरमान की केयर टेकर बन के आई है, क्योंकि आप कभी खुद के मुद्दों पे भी स्टैंड अपफ्रंट होके नहीं लेती है? तो देखो जब मेरा मुद्दा होता है तो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। शिवानी के साथ मेरा जो मुद्दा हुआ था वो जो हाइजीन वाली बात पे, और चाहे वो ये जो संचालक वाली बात पे, फिर मेरी सना मकबूल से भी एक बार कोई बात हुई थी, तब तो क्या होता है कि अरमान जी और मैं एक हस्बैंड वाइफ है शो में है, तो जब भी मेरी किसी से बात होती है ना तो ऑब्वियसली ना एक ये अंदर से आता है कि हस्बैंड आपको आकर आपकी साइड लेते हैं। तो इस जगह पे ये होता है कि जब भी मेरी किसी से बातचीत चल रही हो तो अरमान जी आके साइड लेते हैं, अरमान जी की अगर बातचीत चल रही हो तो मैं आके साइड लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं अपने मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती, मेरा जो मुद्दा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम हूँ कि इस घर में कि मैं अपने मुद्दों के लिए खुद से लड़ सकती हूँ, और मैंने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी की है। और बात रही केयर टेकिंग की, तो भाई एक सुबह की कॉफ़ी ज़रूर मैं पीता हूँ इनके हाथ की, जैसे हमारे विशाल भाई इनको पिलाते थे, ये उनको पिलाते थे, मैं कपल भी बोलता था उनको। तो मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर एक दूसरे की केयर अगर हम कर रहे हैं, मैं रणवीर भाई की करता हूँ, वो मेरी करते हैं, साई करते हैं, तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना कोई गलत बात नहीं है। लव, मेरा एक सवाल आपसे है, अगेन वही भैया भाग्यशाली वाला इंसिडेंट उठाऊंगी। डोंट यू थिंक आपने वो इंसिडेंट और विशाल की दोस्ती बहुत कन्वीनियंस के ही हिसाब से यूज़ की, क्योंकि आपने कभी विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया? यार मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ, मैं तो दोस्ती कहता हूँ उसी को हूँ, जहाँ पे जो गलत मेरे को लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, अब उसमें क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। अब ज़बरदस्ती कैमरे के लिए बोल दूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है तू, मैंने उसके मुंह पे भी कही, कैमरे पे भी कही, बार बार कही, तीसरी चौथी पाँचवीं बार भी कही, और आगे से कभी नहीं बोली। जब किसी ने और बात करी जब भी बोली, आई ऑलवेज ट्राइड कि ये बात मैं खुद से ना करूँ, ठीक है, वो वाली बात भी हो या फिर कहीं और पे भी मेरे को उसकी बात अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रही, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो आलसी हो रहा है या फिर तू टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने ये सब चीज़ें भी बोली हैं। और उसकी 100 तारीफ़ें करूँगा वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आप लोगों को, मैंने एक जगह उसकी गलती टोक दी वो दिख जाएगा, आप भाई दोस्त नहीं है। और इतनी जल्दी आपने दोस्ती नाप ली, जब कल गया जब तो नहीं देखा होगा आपने, मेरे दिल से पूछो ना क्या है, उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी की गर्ल सोए करता, उसी की गर्ल बैठे करता, यहाँ पर कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ? कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो? तो दोस्ती कभी भी एक चीज़ पे जज मत करे करो, सारी चीज़ें ओवरऑल देखा करो। थैंक यू। मैं सुप्रिया पीटीआई से, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और so मेरा सवाल रणवीर और सना से होगा कि आप अपने हर एक कंटेस्टेंट के बारे में क्या चीज़ अच्छी पसंद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं? कैन यू रिपीट इट लिटिल लाउडर बिकॉज़ आई कुडंट हियर यू, क्लोज माइक क्लोजर प्लीज। मेरा सवाल ये है कि आप हर एक कंटेस्टेंट जो यहाँ मौजूद है तो क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या पसंद करते हैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में? लेडीज फर्स्ट, मेल फर्स्ट, आई डोंट नो व्हाट इज द सेइंग, लेडीज फर्स्ट और मेल फर्स्ट, बट आप कर सकते हो, लेट्स नॉट गो ऑन दैट फ्रेज। हां, एवरीबॉडी एग्रीज। अच्छा, कृतिका इज वेरी केयरिंग, शी इज वेरी ऑनेस्ट, जो इनके मन में है दिमाग में है वो व्लॉग की तरह इनके मुंह पे आता है नॉन स्टॉप। समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक सो मच वर्ड्स, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। थैंक यू। अरमान इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग, अरमान इज़ मल्टी टैलेंटेड, आई हैव टू से, ही इज़ वेरी हैंडी, ही कुक्स वेल, यू नो, ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही ड्रेसेज हेयर रियली वेल. So there are talents to him which one would not expect when you actually, you know, when he, because he is known for just having mostly, you know, तो sorry हिंदी, तो क्योंकि उनकी जो छवि है वो कुछ और है मीडिया में, प्रेस में, बट उनके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने स्लोली यहाँ पे डिस्कवर किए हैं, खाना बनाना, जैसा मैंने बताया आपको, हेयर ड्रेसिंग। उनकी एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस घर में काम को लेकर के लोग कई कामों से कतराते थे, जो मैंने कोशिश की थी कि नहीं कि यू नो पहल मैं करता हूँ कि ताकि, क्योंकि यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये अकेले थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे खड़े हुए, तभी से हमारी दोस्ती यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो शुरू हुआ। So I really like that about him. Sai is again मतलब बहुत ही एक innocence है उनमें, उनका दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ लगता है, थोड़े बचकाने हैं, but I guess मेरी उम्र उनसे almost double है, so I should not take that into account. So I really like him also. लवकेश मुझे लगता है बहुत intelligent हैं, लेकिन बड़बोले हैं, उनको not like कृतिका, but क्योंकि कृतिका और इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ common है कि दोनों को बोलने का बहुत शौक है, but लव के बोलने में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है, वो अक्सर हमारी लड़ाई भी इस बात पे हो चुकी है और अभी भी चलता रहता है, I think एक हफ्ता बचा है. सना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, if you don't mind. नेजी अगेन एक बहुत ही दिल का साफ आदमी है, सिंपल है, he's simple minded, he's very talented at what he does, exceptionally talented at what he does. I have seen bits and pieces में जब वो randomly करते हैं, some bits are really out of this world. You know, he is natural at what he does, and मतलब I think he would make a good friend to me even outside of here. Sana, you same. For me, I will start with Ranveer ji. I find him very उम्र में बड़े हैं तो experience मैं बोलूँगी कि experience का उनको बहुत हर चीज़ों में experience है. नेजी के लिए मैं एक word में ये बोलूँगी honest, बहुत सच्चे इंसान हैं. इसके लिए बोलूँगी बहुत practical चलता है और इसका एक line मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खाओ. So I think I like that thing. साई को मैंने कभी जाना नहीं है, but still मुझे साई बहुत observe, you know, he's somebody who observes around you, तो observant बोलूँगी उन्हें. अरमान जी मुझे दिल से बहुत साफ लगते हैं, but ज़बान उनकी थोड़ी कड़वी है, but दिल से साफ लगते हैं. कृतिका के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत बबली है. Thank you. Hi everyone, welcome to IWM verse, I will say firstly. This is Shweta from IWM verse. So first question is with Ranveer sir. Ranveer sir, आपने कई बार ये बोला है कि लवकेश काफ़ी ही घमंडी है, बदतमीज़ है. आपने कई बार उनके नो कैरेक्टर पे कई सारे सवाल भी उठाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको हमेशा वो घमंडी और बदतमीज़ नज़र आए हैं? यही दो हैं, बाकी और सवाल नहीं उठाए हैं. घमंडी इसलिए हैं क्योंकि वो दिखता है इनके एटीट्यूड में, यू नो, कि मेरे बाहर जो हम मेरी आर्मी है ऑफ वोटर्स. कब बोला मैंने ये? मैंने बोला दिखता है, बोला नहीं बोला मैंने, मतलब उनके एटीट्यूड में दिखता है ये कि, यू नो, ही हैज़ लॉट ऑफ सपोर्ट आउटसाइड एज फार एज ऑडियंस वोट्स गो. और बदतमीज़ी भी दिखती है घर में, जिस तरह के वो जोक्स मारते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है टास्क को लेकर डिस्कस करने के टाइम पे. सो जो मुझे, देखिए, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था यहाँ आने के पहले, ना मैं अरमान को, फ्रॉम अरमान टू नेजी ऑल्सो, जो बाकी बेचारे जो साथ यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं किसी को नहीं जानता था. जो मैंने इम्प्रेशन उनके बनाए हैं वो यहाँ पे इस घर में बनाए हैं, उनके व्यवहार को देख के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के, उनका काम में देख के, घर के काम में देख के, टास्क में देख के, जो मुझे उनकी पर्सनालिटीज़ का हिस्सा उन्होंने जो यहाँ दिखाया है उसी के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ. आई एम श्योर आउटसाइड ये सब फरिश्ते हैं, बट मैंने इनको बाहर देखा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने जो देखा है उसके बेसिस पे मैंने ये अजम्पशंस लगाई हैं. बट हालांकि मैंने इसको इंटेलिजेंट भी बहुत बार कहा है लवकेश को. लवकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी परवरिश काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन आप ये चीज़ कभी उनके फेस पे नहीं बोले, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं किया इस बारे में लेकर. मैं रणवीर भाई को हमेशा, हालांकि वीकेंड के बार पे कह पाता हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि हम साथ बैठते नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं रणवीर भाई की बहुत रिस्पेक्ट है. वो उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं. उनकी उम्र मतलब मेरे पापा जितनी होएगी, तो रिस्पेक्ट पूरी है. पर कभी ना मेरे को ये लगता है कि रणवीर भाई भी उतनी बदतमीजी करती इतनी मैं, अगर उनको लगता है मैं करता हूँ, तो हालांकि मेरा बनता है हक कि मैं आगे से जाके सॉरी बोलूँ, पर उससे पहले मेरे को रणवीर भाई की थोड़ी सी शक्ल दिख जाती है कि ही सैड, तो मैं आगे से चला भी जाता हूँ. पर फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है, फिर कोई टास्क या कुछ आ जाता है, फिर हमारे कुछ अनबन हो जाती है. तो दिल की चीज़ यही है कि रणवीर भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी ये मत मानना कि बदतमीज बदतमीज है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। वो बस इंस्टेंट निकलता जो निकलता, बाकी तो सब चीज़ कोई चक्कर नहीं। वो चेंज भी हो सकता है अगर आप ध्यान दो तो। जी 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 ठीक है। हाय, मेरा नाम आदि है और मैं फिल्मी मंत्रा से हूँ। पहली बात तो अरमान, आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। मैं बात करूँगा नेजी की। आप मुझे अभी भी नींद में लग रहे हैं, सोते सोते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आपने कहा कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आप चाय पीते बड़े ज़रूर हैं, क्योंकि जो चाय देता है आप उसकी पार्टी में चले जाते हैं। सवाल वही है कि क्या कर रहे हैं आप अभी तक, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ना बातें कहते हैं, हाँ हाँ करके पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आप सो चुके हैं। तो क्या प्लान है आपका? आप फिनाले के बिल्कुल करीब हैं। ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई, ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। सवाल है भाई, आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल। सोता है 10 बार तो यही बोलेगा सो रहा है सो रहा। भाई रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते हैं, समझ में आया। और जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज़्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे। दिन भर बातें नहीं करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। जो बातें हाँ हाँ बोलने का रहता है उधर हाँ बोलता हूँ, जिधर लगता है कुछ और बोलने का कुछ और बोलता हूँ। जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ। और क्या चाहिए तेरे को भाई, मेरा पीछा छोड़ दे भाई, कुछ भी बोल रहा है तू। लेकिन ये जस्टिफाइड लगता है आपको कि आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट रहा है? हाँ, मेरे को तो लगता है रहा है, थोड़ा कम है लेकिन काफी है। कम है लेकिन आपको लगता है? हाँ, कम है लेकिन काफी है। ठीक है, प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो फीलिंग। आई वांट टू आस्क यू। प्यार में सबसे करता हूँ भाई। ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते। तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं। तू क्या मेरे को बोल रहा है? प्यार है प्यार। आपको जवाब नहीं देना, मना कर दीजिए। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एक दोस्ती है और इस दोस्ती का जो हम बाहर देखते हैं हमें समझ में आता है फ्रेंडशिप के बाद प्यार की एक बात आती है। सवाल बड़ा सिंपल है कि हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ तो फिर तमीज से आप जवाब दीजिए। हाँ तमीज से, तू तमीज से सवाल पूछेगा तो तमीज से जवाब दूंगा। नेजी थैंक यू, तू तमीज से सवाल पूछ। भाई मैं नेजी को पिछले 30-35 डे से जानता हूँ, तो नेजी बहुत जेन्युइन बंदा है और उसके दिल में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है। वो बस एग्जैक्टली इट्स फाइन, लेकिन हमेशा वो दोस्त को दोस्त की तरह ही मानता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। डोंट वरी। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है। आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी। लेकिन जब बात आती है शिवानी की तो आपने कहा कि वो गाँव से है, इसके लिए वो जीत जो भी है पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एल्विश की आदमी से आता है। विशाल के लिए आपने कहा ये ट्रेंडिंग के जो है वही रील्स बना बना के आया। तो आप दूसरे को बहुत कैटेगराइज करते हो कि ये इस वजह से आगे आया, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को, लेकिन आप खुद को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माना ही नहीं मैडम। पहली बात तो क्या था ना, उस दिन जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, तो वो बोला कंटेंट पे मत था। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना है बाप पे सुना है, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे मत था। फिर वो चिढ़ने लग गया था, फिर उसने मुझे थुलथुला बोला, तो मैं उसको हर टाइम यही चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम। उसको लेके मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गांव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गांव से आती है या फिर बाहर से आती। शिवानी खुद कहती थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाएगी। हमेशा मैंने उसको छोटा अखबार बोला, उसके साथ बोला ये दिल की साफ है, लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, ज़ुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया, और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है जो उनकी टीम वाले थे, सारे वही थे, सबको पता भी ये बात। ठीक है, और बात रही अपने कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ मुझे एल्विश के साथ ही दिखा। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है। तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने था। हाय, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्मिंडो। मेरा सवाल सना से है, लेकिन अरमान मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप कहते हैं मैंने 2 बीवियों को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते हैं, मैंने 2 पत्नियां रखी हैं, रखा है आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। चलो मेरे मुंह से गलती। आप कहते हो मैं छूट देता हूँ, पति मिलने के बाद बनने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता पत्नियों को छूट देने का या कंट्रोल करने का, है ना। सना, आपने शो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि ये शो एक लड़की जीते। मुझे लगता है आपने ये बोलना चाहिए था मैं चाहती हूँ एक लड़की जीते और वो लड़की मैं ही होनी चाहिए, मैं नहीं तो कोई और नहीं, क्योंकि इस पूरे इसमें देखा गया कि ऐसा नहीं था कि आपने लड़की को सपोर्ट किया हो। और दूसरा, सना तो मेरे एस तक नहीं, दीवा के डी तक नहीं, आई एम अबव ऑल ऑफ देम, ये आपने नेजी के मुंह पे बात बोली थी। तो आपको इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों है और इतने डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी क्यों है कि लड़की आप ही जीते, वरना आपको ये या तो बोलना चाहिए था मैं ही जीतूँ तो ही चलेगा, बाकी कोई और लड़की नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मेरे दिखने में आया है तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट, बट मैं डे वन से येस आई अग्री, मैंने ये चीज़ बोली है कि मुझे जीतना है और मैं चाहती हूँ कोई लड़की जीते। अब मेरे अलावा अगर मैंने किसी और को नहीं देखा है तो आई थिंक आई डोंट नो, आपको बोलना चाहिए था, आप करेंगी करेक्ट स्टेटमेंट कि लड़की जीते पर वो लड़की मैं ही होनी चाहिए, शायद मुझे ये बोलना चाहिए था फिर। और डीवा के डी तक नहीं, आई एम सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, आपको लगता है कि आपका ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आपके दुश्मन ज़्यादा बना रहा है दोस्त से? आई थिंक सो येस, 80% पीपल ओवर हियर, आई थिंक एक या दो को छोड़ के जो मेरे आजू बाजू बैठते सब मुझे हेट करते, बट आई थिंक वही मेरा एटीट्यूड, मेरे एटीट्यूड की वजह से वो मुझे हेट करते, जो मुझे अब तक समझ में आया है। तो या बदलेंगी इसे? नहीं, आई एम गुड। ओके, हियर स्नेहिल हियर फ्रॉम एबीपी न्यूज़। अरमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था बिग बॉस के घर में आना, अपनी पर्सनल लाइफ को और पब्लिकली करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले था। आपने कुछ कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है और आप कमेंट पास करते हुए भी दिखाई देते हैं दूसरों के करियर को रिवाइव करने की। तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करने आए, तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बता देता हूँ पहली बात, शॉट्स फायर्ड। सर एक बार बोल लूँ सर, बट आपने तो कहा है ना, आप इसीलिए खत्म कर ले फिर आता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, पिछले 6 साल से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी, तो अब कान बंद हो चुके हैं, मैं सुनता नहीं हूँ, बस अपने मन की करता हूँ और वो करता हूँ जिससे मेरी फैमिली खुश रहे। लेकिन जो यहाँ भसड़ मची है उसको कैसे समेटेंगे, क्योंकि बहुत भसड़ मच चुकी है अब तो। कोई दिक्कत नहीं मैडम, देखो जिंदगी है, भसड़ उसी का नाम है जो जिंदगी जीता है। तो जस्टिफाई हो गया जो आप जस्टिफाई करने आए थे यहाँ पर? जस्टिफाई तो ये है ना कि जो रियलिटी शो है वही हम है, सेम है यहाँ पे कोई नई चीज़ें तो हमने की नहीं, जो हम अपनी ब्लॉगिंग में करते हैं तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ की क्या ज़रूरत थी? अब किसी ने ऑफर किया मैडम, कहते हैं ना कि सामने रसगुल्ला बड़ा खाओगे, तो खा लिया हमने, हम आ गए। और जो करियर पर आपने इतना बात किया वो तो मैंने बोल दिया था ना, रणवीर सर का तो करियर इतना ऊंचा है कि हमें 10 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वेल नोन एक्टर, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन रिवाइव की अगर आपने बात की थी तो वो इसलिए आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनका तो डूबा हुआ नहीं है ना। नहीं, उनका तो डूबा ही नहीं ना, उन्होंने तो वो चीज़ें कर दी जो अब तक हम सोच रहे हैं कि उनके साथ खड़े होकर सेल्फी ले लें, उनके साथ तो मूवी कर चुके हैं वो, उनका तो डूबा ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ, आप क्लैरिफाई करें। आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने, आपने अभी कहा। नहीं, मैंने कहा कि नहीं कहा, मैंने शी सेड, मैंने कहा कि मैं यहाँ। सवाल सर ये था उनसे कि करियर भी रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए, मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैं करियर रिवाइव करने आया। आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है, मैंने कहा था मेरे पास काम, मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना चाहिए। केयरफुल विद द वर्ड्स। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। मैं आई टोटली रिस्पेक्ट यू सर, ऐसा कोई नहीं, आई आल्सो रिस्पेक्ट यू, ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज बी लिटिल केयरफुल ऑफ हु सेड व्हाट व्हेन, बिकॉज़ यहाँ पे दैट्स ऑल दैट मैटर्स। Sir, I really admire your work. I also admire you, ma'am, but I'm just saying. नहीं, मेरा सिर्फ इनका यही कहने से पूछने का मतलब था कि क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं किया? उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी खुद खींच देता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहाँ वो हैं, और जिनके साथ मूवी की मुझे एक सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे, उनका करियर की तो बात ही मत करो, आप बहुत ऊपर है। जी, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया, हम तीन, हमारे तीन, जो आपने फैसला लिया ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जब पहले हफ्ते में एविक्ट होकर चली गई तो आपने कहा अच्छा है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से। तो उन्होंने भी एक फ़ैसला लिया है, बाहर जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती हैं। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले। ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा ज़मीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, ज़बान कभी कभी क्या होता है ना, फिसल जाती है, और वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले वो अपने अच्छे से संभाल लेंगे उन चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई हैं, कुछ भी फैल गई, जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। जी, जो आपका परिवार है उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पर कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं। तो उस पर कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टैग, अब इन्फ्लुएंसर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अब वो टूट चुका है। ये बात तो अब रियलिटी होगी, अब ये सत्य हो गया। इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा रितिका, एक महिला के तौर पर? देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं। जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे, चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे, और दोबारा जैसे हम आपको पहले तीन दिखते थे वैसे ही तीन दिखेंगे। थैंक यू सो मच। हाई एवरी वन, कंग्रेचुलेशन। सॉरी, माई थ्रोट इज़ नॉट यूजे फिल्मी। सो रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है एंड बाकी सबसे भी है, एक ही सवाल होगा। well, आपने कुछ देर पहले बोला कि घर में आप हम लोग सब बिचिंग करने ही आए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बिचिंग करने ही आए हैं, मैंने कहा यहाँ बिचिंग होती है। तो आपने कहा बिचिंग ही करने आए हैं। ओके, नहीं मैंने नहीं कहा। तो ये जो बिचिंग हो रही है या होती है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक साथ में रहते हैं, इसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं या फिर घर में आने के बाद ही करते हैं? नहीं, मैंने तो कोई पहले, मैं तो ब्लैंक स्लेट बन के आया था यहाँ पे। बट आहिस्ता आहिस्ता, पहले 2 हफ्ते में आप अगर नोटिस करेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो मैं इतनी बिचिंग नहीं कर रहा था। बट दूसरे हफ्ते से, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते से, आई वॉज इन। well, बाकी मेरा सवाल आप मैं भी आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर कौन होगा, पर जो घर के माहौल होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको बात करनी पड़ती है। रियल और फेक होने को लेके बहुत सारी बातें होती हैं बिग बॉस हाउस में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है जो बाहर किसी के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करता, खास करके हमारे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स और बीट एनीथिंग और एक्टर्स, कि हम यंग जनरेशन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस सेट करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, तभी ये नाम बनाए कि इन्फ्लुएंस सेट करें। तो आप सबको लगता है कि आप बाहर वालों यानी बच्चों पर स्पेशली कोई भी इन्फ्लुएंस सेट कर पा रहे हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर? देखो मैम, ये जो शो है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्यार है, इमोशन है, तो हर फैमिली में भी यही होता है। तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक इंसान एक चीज़ सेट करेगा। आप सना मकबूल जी घमंड थोड़ी सेट कर देंगी, मैं हूँ गालियाँ थोड़ी सेट कर दूंगा, कृतिका नोटीपन थोड़ी कर देगी। तो ये एक पूरा कॉम्बो है जो हर किसी के घर में पहले से है। और मुझे तो लगता है कि बच्चों पर ज़रूर इन्फ्लुएंस सेट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो लोग अपना टॉलरेंस दिखा रहे, पेशेंस दिखा रहे, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला रहे, तो ये सब चीज़ बच्चों को समझती होगी और वो ज़रूर अडॉप्ट करते होंगे और ज़रूर इन्फ्लुएंस पहुंच रहा है वहाँ तक। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको ऑनेस्ट कहा जा रहा है ना। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो जो कर रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कलेश, प्यार मोहब्बत, इमोशनल हर घर में होता है, वो यहाँ पे है। बस यहाँ पे कैमरे लगे या हर किसी के घर में कैमरे नहीं लगे। और मोर देन एनीथिंग आई फील जो 16 या 17 कंटेस्टेंट आए वो डिफरेंट है। ईच पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन और अनदर। लाइक अगर हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है तो नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में आप वही लेवल के, वही वेवलेंथ के फ्रेंड्स बनाते हो, यहाँ पे इनका माइंडसेट अलग है, इनका माइंडसेट अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। सो हमें नहीं पता कि बाहर हम क्या सेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बट या कोशिश यही कर रहे कि हम रियल रहे। हाय एवरीवन, दिस इज़ निराली फ्रॉम OTT Play। कृतिका, मेरा सवाल आपसे है। हाल ही में एक टास्क हुआ था जहाँ शिवानी संचालक बनी थी और उन्होंने आपको आउट कर दिया था, और सना वो जो कन्फ्यूजन जो भी क्रिएट हुआ था, पर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुई आपने उसमें कहीं ना कहीं सना के जो फेशियल फीचर्स है उनको मॉक किया था, बार बार लॉलीपॉप बोलना, तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गई थी, जबकि सबको पता है कि सना के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है पास्ट में? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कभी भी सना के फेशियल फीचर्स के बारे में नहीं बोला और आप बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे सना भी थी और मैंने सना को सिर्फ एक सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करूँगी। मेरी शिवानी से बात हुई थी, सना वहाँ पे खड़ी थी, सना कुछ बोल रही थी, तो मैंने सना को बोला था नेजी और सना की लॉलीपॉप प्ले किया, जो मतलब नेजी के विशाल की मुँह में लॉलीपॉप डाल ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब था बात का कहने का कि सना ने अपने जो बच्चे हैं वो रखे हुए हैं, जैसे नेजी रखा है, विशाल रखा है, और वो अपनी जो टीम है उसको लीड करती है। तो मेरा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तक कहीं नहीं था कि मैं उनके फेशियल फीचर्स को हिट करूं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी ना, जब हम इस घर में नए नए आए थे तब उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रोई थी। तो भाई मैंने आज तक मजाक के अंदर भी ना कभी किसी की शेमिंग नहीं करी, तो आप प्लीज़ जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। जो फुटेज आई थी उसमें जब आप लॉलीपॉप बोल रही थी, आपका जो कर रही थी, राइट, वो मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रही थी कि वो नेजी को विशाल को देती है। मेरा उनके फेशियल जो चीज़ें हैं, उनका जो पास्ट में जो सर्जरी, जो लिप्स का जो भी हुआ है, उस चीज़ को लेकर नहीं था। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो अभी मैं शील्ड रखती हूँ। हाय, मेरा नहीं था सना। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आई डिडंट मीन इट। कभी मैंने आपको बोला ही, मैंने मेरे को उसको बोला ही नहीं, बिकॉज वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ एंड आई थिंक दैट्स वाई। अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे, एंड मैं उस चीज़ पे डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था, एंड आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी है। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई मेरे साइड से सुनता नहीं है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स ऑफ स्टोरी। कोई देखिए, मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो निबंध किया। सर आपने भी मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज सर उस पे मत जाइए। बट मैंने सर ना पहले आपने ही मुझे नागिन बोला, गिरगिट बोला, अभी भी बोल रहे हो, मैंने पहले बोला। हाँ ठीक है, मैं आप ही ने बोला है सर, गिरगिट आपने ही शुरू किया। वी एक्चुअली गॉट वेरी इमोशनल व्हेन वी वर लुकिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पर आप शिवानी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आई हैव यू नो, मैंने उन्होंने पूछा आप एक्टर हैं, यू सेड यस आई एम एन एक्टर, एंड अबाउट योर फिल्म्स। शिवानी आप क्या करते हो? देन यू सेड कि मैं एक एक्टर हूं और मैंने काम किया है। फर्स्ट डे इट वाज क्वाइट अ क्यूट वीडियो जहां पे यू वर लाइक यू नो वेरी नाइसली टेलिंग। इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिमेंबर एवरी सेकंड ऑफ द लास्ट 35 days. That's okay, my question is not connected to that. I just want to understand that an actor of your caliber who's done so much work and you have been quite a private person. So us hisab se it was quite a coming for you and you have been seen saying things, fighting, saying and you know बहुत चीज़ें हो गई है। तो किसी पॉइंट पर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि इट वाज अ रॉन्ग मूव मे बी एंड यू नो आई एम जस्ट इन केस विजिबिलिटी की बात थी तो शायद ये रॉन्ग मूव है। आई वाज क्वाइट अ प्राइवेट पर्सन बट नाउ आई एम आउट एंड ओपन। नहीं, प्राइवेट इज नॉट द इशू। और बाकी जो आप कह रही हैं वो तो मैंने चौथे दिन ही आई डोंट नो डाला इन्होंने कि नहीं, बट मैंने सबको बोल दिया था, मैंने उड़ता तीर ले लिया है। चौथे दिन ही मैंने बोल दिया था। व्हेन 2.5 डेज वी वर हंग्री, I had already said that, but my point is when you've committed something, you have, as an actor also and as a professional, you have to give in wholeheartedly. So after, I didn't want to hold back any punches और ना ही कोई मैं इतना eager था कि इस घर के जो भी इसके पहले के seasons हैं मैंने तो देखे भी नहीं थे, मैंने छोटे मोटे clips देखे थे सिर्फ. So I have really instinctively just followed my gut at what is happening, what is going on, how do I react. I have had no preparation for this. I have done some reality TV before, but nothing like this. Ma'am, I can't see her. So, बाकी जहाँ तक मेरा ये show करने का सवाल है, yes, I am not here to revive my career, but it is a fact that at this point in my career, I had zero offers. The only other offer I had was also a reality TV. Reality TV show which was I think 10 days or something like that, and I chose to do this because my son was traveling at this time with his mother for a month and a half, and I would have, you know, in US I would have spoken to him only once or twice a day. I thought at age 13 it might be a good exercise for him to have not have his father around for a month, you know, and see how it goes. And it's a call that I took. I was regretting it first few days, I still regret it, but far less. I have started seeing the beauty of this experience. I think it happens under extreme trauma. This is exactly what we do inside. Oh my God! सबको पूछना. Can we? Excuse me. If you are supervising this, can we take a quick pee break? Is it possible? No. अभी 12 कर लेते हैं सर. हाँ. Race में. चलो 12 कर लेते हैं सर 12. Okay, sir. Continue. My answers might be really short then. रिश्ते खराब करेंगे ये चीजें. दुखों का काम है भूलना. कपड़े तो फिर किसी और ने भेजा हमारे. हाँ. No, please continue. I'm coming. वो क्या हुआ? उसने क्या अच्छे से बात किया मेरे से? चुप हो गया उतना ही बहुत है. बाहर तो मेरे एरिया में तो ये सब कर भी नहीं पाए मुंबई में. मेरे तो जो निकली ना मेरे से आग निकला. मैं बोल रहा कि हिंदू मुस्लिम मत करो यहाँ पे. मुस्लिमों में बेवाओं को समझे ना तुम. कहता आपने मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ ऐसे बहुत ही झूठ. हमारे जो हैं वो ऐसे ही बात करते हैं तो उनका बुरा मत मानिएगा. मैं उनकी तरफ से बोलना चाहता हूं. आपको बुरा लगे तो हम सब की तरफ से सॉरी. नहीं ऐसा मत बोलो भाई. मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ऐसे ऐसे बिहेव करके. मैं यूजुअली ऐसा बात नहीं करता. बात करता हां ठीक है. रणवीर सर मेरा आपसे सवाल है. आपको इस घर में जिन लोगों ने आपसे हां में हां मिलाई उनसे आपने दोस्ती बना ली और जिन लोगों ने आपसे यू नो दूरियां बनाई उनको आपने बिल्कुल उनसे दूरी रहना चाहते हैं. आप क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपका असली चेहरा यही है? फर्स्ट पहला तो आपकी अजम्पशन ही गलत है. जिन्होंने मेरे से हाँ मिलाई आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं. इनफैक्ट मेरी और अरमान की शुरुआत में अनबन हुई थी. मैंने एक कुछ जो फर्स्ट प्रेशर सिचुएशन आई थी हमारी मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया था जो इनअप्रोप्रिएट था और इन्होंने उस पर आपत्ति जनाई थी. मैंने इनको सॉरी कहा था और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ. बिल्कुल ऐसा नहीं है. एंड अरमान अभी जो लोग बचे हैं अरमान इस दीपक सर का बयान है बिना आपसे पूछो कुछ भी नहीं करते. कौन? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. आई थिंक ये दीपक भाई का बाहर बयान होगा. यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी. बट इट इज़ ट्रू कि अरमान मेरी सुनता है एंड आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. बट ऑल्सो अगर मैं गलत कर रहा हूँ वो मुझे टोक के ठीक करता है एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. एंड I think the most important part of my bond with Arman is that he's a very strong contestant. I also want to win. He also wants to win, and yet we are managing a friendship. I think that is something which I cherish here. सना मेरा सवाल आपसे ये है कि and you have to be very honest with that और diplomatic answer मत दीजिएगा. अभी बस अगले हफ्ते finale है. आप क्या चाहती who shouldn't win this show? क्योंकि अगर वो जीत गया तो एक गलत example set होगा. You have to be very honest and share the reason also. I think गलत example अगर example तो नहीं बोलूँगी but मुझे ऐसा लगता है show में किसी ने कुछ नहीं किया होगा तो वो साई केतन मेरे लिए होंगे. I feel उनके खुद के जहाँ मैंने अभी सुना उनके खुद के मुद्दे नहीं होते हैं. अभी तक वो बहुत ही सुम में खेल रहे हैं. Like I don't know मैंने उन्हें इतना कुछ उन्होंने initially first 2 weeks मैं बोल लूँ पहले फिर आप बोलेंगे या better है. First 2 weeks उन्होंने उनका जब वो भड़के थे मेरे पे मेरे साथ उन्होंने झगड़ा किया था अंडे वाले टॉपिक पे मुझे वो बहुत बेसलेस लगा था. उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की है ना मैंने उन्हें कभी जानने की कोशिश की. सेकंड जो लवकेश वाला था आई रियली लाइक द पॉइंट और कई हद तक मैंने वो चीज़ बोली भी थी कि गाली आप देते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो. और देन फिर उसके बाद वो मुझे डेप्थ नहीं पता थी कि वो गाली से उनको क्या चीज़ इफेक्ट करी. बट अगेन एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रिएक्शन आप समझो ना. गाली आप देते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो भले वो माँ की हो बहन की हो किसी की भी हो. तो उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत फेक लगा, बट स्टिल वो अगर ऐसे है रियल लाइफ में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जीतेंगे तो इट विल बी लिटिल, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है मेरी नज़र में। बेसिकली अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं 5th वीक तक यहाँ तक नहीं रहता, मैं कब का चले जाता। तो दिस इज़ ये जो सामने दिखता है सारे कैमरा के सामने दिखता है, ये फ्रेंड्स का नहीं है। बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए और मैं भी शायद चले जाता। मैंने तो कह भी दिया था अनिल सर को कि मैं तो शायद, मुझे लगता था कि मेरे बिहेवियर से या मैं जैसा हूँ मेरे बिहेवियर से शायद 1-2 हफ्ते में चले जाता था, लेकिन शायद आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई हार्ट आउट, जैसा वैसा मैंने कुछ प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया हूँ। और जैसे मुझे लोग मिले जिनके साथ मेरी वाइब बनी, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ। और मैंने कई बार कहा है कि जिनके साथ मेरी बनती है, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ मैं बैठता हूँ। तो उसमें रणवीर है, अरमान है, नेजी है और थोड़े लोग तो चले गए। और मुझे ये लगता है ख़ासकर कि अगर सना मकबूल ये शो जीतेगी तो मुझे एक्चुअली गलत लगेगा, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड, ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड एंड मैनिपुलेटिव इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए। जस्ट वेट, ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड एंड शी नोज हाउ टू फ्लिप पीपल। एग्जैक्टली। सवाल जो है वो आपसे है, आपके हाइजीन को लेकर, एक मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल बनाया गया, हर जो झगड़े में आपके पॉटी को लेकर सवाल किया जाता है और वही उठाया जाता है। आप अगर इनको, हनुमान को, हाइजीन के ऊपर कोई टिप देना चाहे तो वो क्या होगी? मैं बोलूँगा भाई हाइजीन पहले स्पेलिंग सीख लो। उनको वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि हाइजीन, मतलब यानी बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया अपन। और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ़ किया हूँ। मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती, मैं उनको कभी बोलता नहीं हूँ, समझ रहे हो। और ये सब चीज़ें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती है। आज वो कॉफ़ी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे, तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं। मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में जाके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करने अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो। इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है, मुझे एम्बेरस करने में उनको मज़ा आ रहा है, तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उस। अरमान एक मैं इनका जवाब देता हूँ। भाई साहब हैं थोड़े से ना बैठे, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बता देता हूँ। देखो इन्होंने बोला हाइजीन की स्पेलिंग, तो मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं। हम इंडियन हैं तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है, सफाई। और मैंने एक सना मकबूल को भी लिखा था, जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, वो मैंने ही लिखा था, तो शायद इसको पता नहीं है। और हाइजीन की बात करें मैडम, तो एक गलती होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर आदमी की आदत ही बन गई है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है। एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते हैं चलो यार देख ले, सोच लिया चलो यार गलती है, दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है, चलो। उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर किया, इसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं, फिर कह रहा मैंने तो कर दिया। सर इसकी आँखें ही नहीं खुलती, ये दुनिया क्या देखेगा। अच्छा अरमान, एक क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस OTT में, हम कौन सा सीजन है ये? पहले तो 3rd वाला सर, 3rd है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन 2 में है? क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश एल्विश एल्विश। वीकेंड के बार में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था। आप, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीज़न से कॉन्ट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त है वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ज़्यादातर नाम लेते रहते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें वो देख के आया है कोई और समझ के आया है। और उस दिन जब साई के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाली को लेके। और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था, तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था, और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर OTT में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे 1 वीक ये करना है, 2वीक झगड़ना नहीं, अगर 3वीक बात हो तो तुझे करनी है। तो वो चीज़ें मुझे लगा और मैं बात करता हूँ। सेंसलेस बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बार नहीं पता होता है सर। आपको पता ना, इसको नहीं पता होती, यही दिक्कत है। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, मैं अपनी चीज़ बताऊँगा, वो अपनी चीज़ बताएगा, क्या बातें कर रहे हो तुम। लवकेश मेरा सवाल आपके लिए है जी। आप हमेशा कहते रहते हो कि मेरा मतलब मैं तो किसी से भी मजाक करता हूँ चिढ़ जाए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप मजाक करते हैं और मजाक में जब सामने वाला आपको मजाक करता है, जैसे आपने रणवीर के साथ जब आप व्लॉगिंग कर रहे थे, रणवीर ने गजब का पंच मारा था आपको कि जब बेटा बाप को उंगली करे तो बाप जड़ देता है या थप्पड़ लगा देता है, वो हमें बहुत फनी लगा जो रिएक्शन आया था। लेकिन आप इंस्टेंटली ऐसे बोलने लगते हैं चिढ़ गया ये, चिढ़ गया ले, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ वन साइडेड है? जब आपको कोई एक नहले पे दहला देता है आप वो सहन ही नहीं कर पाते और फिर आप ये पेटेंट डायलॉग मारने लगता है चिढ़ गया चिढ़ गया चिढ़ गया, ऐसा क्यों? ये मेरा कमबैक है, ये मेरा कमबैक है। मानते हैं कि आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा हो तो आप ले नहीं पाते जोक्स। बिल्कुल सही बात है, आप नहीं ले पाते। मैं अकेला थोड़ी हूं जिसका अच्छा ह्यूमर होगा, बाकी रणवीर भाई भी बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूं कि आप जैसे आप कहते हो कि लोग चिढ़ जाते हैं और वो जोक्स ले नहीं पाते, उसी तरीके से एक्चुअली आप भी जोक्स ले नहीं पाते। जी राइट जी, थैंक यू रणवीर। एवरीवन हु कम्स ऑन दिस शो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं एक इमेज बनाना चाहते हो कि आप बहुत सिंपल हो, आप जूते नहीं लाए हो, कपड़े नहीं लाए हो। क्या ये आपका एक गेम प्लान है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरह से देखें कि एक बॉलीवुड एक्टर भी आया है बट वो इतना सिंपल है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया, एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप? इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं यही अजम्पशन में आया था कि बिग बॉस हाउस जा रहा हूँ और आई हैव try to be myself mostly. Of course, I मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% इस वक्त अपना बेस्ट बिहेवियर पे हूँ। So मतलब I am at my best behavior. So I 10% yes I for example लवकेश की लड़ाइयों में मेरा मन करता है कभी कभी उसकी भाषा में उसको जवाब देने का या मकबूल को भी, but मैं अपने आप को restrain करता हूँ। That can be because of image. But definitely not the way I dress, the way I walk, the way I eat. I don't think like that. So you're saying you're not real? If that's what you've gathered, good luck to you. ठीक है, मेरा सवाल लोकेश से है। सवाल मेरा नेजी से है। अगेन आपने जो अनहाइजिक चीज़ों की जो बात आई वो भी तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आई थी, लेकिन नेजी आपने फिर भी गलती की, आपने मुझे नेशनल टेलीविज़न पे ये बोल दिया फ्री हो रहा है इन तमाम चीज़ें। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे धमकी देंगे। और अलग रही बात मेरे अंदाज़ की, मेरा अंदाज़ गलत नहीं है, ना ही मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल कि आप मुझे बोलेंगे कि आप बहुत फ्री हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सना ने मुझे इशारे में समझाया कि आदि काम डाउन, सना ने आपको भी समझाया कि चिल डाउन, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि तू बहुत फ्री हो रहा है, ये नेशनल टेलीविज़न पर सिंपल धमकी है। मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री और ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नज़र आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है? उस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से शायद आपकी आप जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं कि भाई ये, मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस का, तुम बताओ तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सना से है और उसका आंसर मैं स्पेशली नेजी आपसे जानना चाहूँगी। सना, आपने एक शील्ड लगाई, आपने खुल के बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरे में ईगो है, मेरा कोई अभी यहाँ पे दोस्त नहीं। और आपने घर में भी बोला था कि शिवानी को समझाता है गेस कि यहाँ पे किसको घर लेके जाना है तुम्हें, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, और क्यों इतनी उदास हो वट एवर। तो आपको नहीं लगता कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वह दुनिया आपको देख रही है, आप अपनी इमेज इतनी सेल्फिश बना रही हैं कि आगे चल के आपका मतलब आपको लोग पसंद कैसे करेंगे? अगर आप एक बिगड़ी हुई लड़की बोल सकते हैं, वो लड़की जो अनिल सर की भी नहीं सुन रही, जो फैमिली की भी नहीं सुन रही और खुद में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब आई मी माई सेल्फ, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं गलत है? और नेजी, आपने सबको छोड़ के उनको हमाए बनाया है वट एवर, तो किस बेस पे बनाया? वो खुद डंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज़ कर रही हैं आपको? क्योंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, तो आई थिंक शी सेलेक्टेड यू बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको भमाए इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सामने तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए वो सेल्फिश नहीं है, मेरे लिए वो ईगोइस्टिक नहीं है, मेरे से हम्बली बात करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है। और मैंने उनको कई मौके दिए और उन्होंने हर बार प्रूव किया अपनी दोस्ती को, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे सामने क्लेवर नहीं बनी। मेरे वाइब मैच करती है उनके साथ, इस वजह से शायद दूसरों के साथ नहीं करती होगी। नेजी, अगर रही बात गेम की, तो हम नाले में। आई वॉन्ट टू आंसर हर। See, I've always said it. मेरा सबका अपना अपना पॉइंट, कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मुझे नहीं पसंद करेगा. ऐसी बात नहीं है. अरमान जी कृतिका के साथ मैं पहले बैठती थी, जहाँ उन्हें मैं अच्छी नहीं लगने लगी, मैं सेल्फिश लगने लगी, तो वो हट गए. और मैंने भी मिला था मुझे फैशन का, वहीं से नहीं, उसके पहले से हुआ है. अरमान जी मैं बता देता हूँ, कृतिका वाली बात के बाद ही हुआ था, बाद ही हुआ था, सेकेंड वीकेंड के बाद. अगले दिन अवार्ड मिल गया था. तो कई हद तक देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपको नापसंद करेगा. तो मुझे जहाँ वाइब लगी है मैं वहाँ बैठी हूँ, जहाँ नहीं लगी मैं उठ के चली गई हूँ. और मुझे अगर वाइब्स अच्छी नहीं आती है तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि मैं, हाँ, बट इस घर में आप रह रहे हो तो थोड़ा वो कामकाज को लेके अपनी बातचीत हो जाती है, दैट्स इट. और रही बात नेजी की, तो नेजी और मेरा एक वाइब है. आई डोंट नो उसको लोग क्या दिख रहा है, क्या मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो. बट सबका एक अपना नेचर होता है, एक परसेप्शन होता है. तो अगर नेजी को मैं गलत नहीं लग रही हूँ तो आई विल नॉट से एनीथिंग. बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दूध पीते बच्चे नहीं हैं. बट एक ह्यूमन नेचर होता है सॉरी बोलने का. आप सॉरी नहीं बोलते, मतलब बिग बॉस से तो आप सॉरी नहीं बोलते. और रही बार अनिल सर की मुझे बार बार समझाने की, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं गलत गई हूँ. बट ये मेरा नेचर है कि मैं भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन से इट लाइक दैट वे. बट सीरियसली जहाँ मुझे मैं गलत लगी हूँ मैंने अपने आप को वो किया है. नेजी मेरा सवाल ये है कि काउंट हो जाता है फिर 6 यहाँ का. ओके ओके. सो नेजी मेरा सवाल ये, पेड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखने में नज़र आ रहा है. एक तरफ रणवीर के पूरे गैंग के साथ भी आप हाँ भाई करते हो, दूसरी तरफ ये सना के साथ भी आप करते हो पूरे गैंग के साथ. तो अभी तक आपकी इंडिविजुअलिटी सामने नज़र नहीं आई है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप पेड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ. मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ. मेरा तरीका यही है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबको प्यार दो. और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ रहना है, क्योंकि मेरे को दोनों के साथ अच्छा लगता है. मुझे ये ग्रुप भी पसंद है, वो ग्रुप भी पसंद है. तो ये मेरा वे है चलने का. मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ कि मैंने अलग अलग टीम के साथ काम किया है और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ. तो मैं हमेशा मिडिल मैन बन के काम कर चुका हूँ बाहर भी, और मेरे लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ. ये मेरा एक तरीका है गेम खेलने का. तो लेकिन अगर स्टैंड लेने की बारी आई तो क्या आप रणवीर का लोगे या सना का? वो मौके पे डिपेंड करेगा. उस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं उसका स्टैंड लूँगा. हाय, आपसे है यहाँ पर आप लव और विशाल की दोस्ती को हमेशा पैक्ट पूछ ये बोलते रहते हैं, लेकिन सेम हाँ कि विशाल पूछ है, पैक्ट है इनका. तो और आप अरमान, रणवीर या दीपक, ऐसा लगता है आप उनके लिए सेनापति बने हुए हैं. राजा बनने की कोशिश आपने की नहीं. मेरा सवाल ये है कि उनकी दोस्ती पूछ, आपकी दोस्ती क्या? क्योंकि सना के जाने के बाद तो आप उसके अंडे बांटते हुए नजर आ रहे थे. अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के अंडे नहीं बांट रहा हूँ, और यहाँ कोई सेनापति या कोई राजा नहीं. अंडे बांट रहे थे जब सना? नहीं, आप अगर आप वैसा बोल रहे हो तो शायद आपका भी असम्पशन गलत है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सेनापति नहीं दिखाया गया है. क्या दिखाया गया बताइए? अंडे बच्चे, चल अंडे बांट लेते हैं. आप रो ही नहीं, आप दुखी नहीं थे, आपको उसके जाने के बाद उसके अंडे वो तो हमने बहुत बाद में डिस्कस किया था, क्योंकि जो भी बचता है, क्योंकि खाने की स्कैरसिटी होती है, इसलिए हमने डिस्कस किया था. और उसमें कुछ गलत नहीं है. आपने अंडे खुद भी दे रही थी. हाँ, उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि सच में यहाँ खाने की स्कैरसिटी होती है. तो इसमें सच में खाने की स्कैरसिटी होती है. एंड आई जस्ट स्किप्ड योर क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी अगेन. एक मिनट पूछ है आपकी दोस्ती और हाँ एग्जैक्टली फैक्ट और आपकी नहीं. एग्जैक्टली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आए दिन से जब मैं पहली बार यहाँ अंदर आया था गेट के अंदर, तो मैंने फर्स्ट डे से विशाल और लवकेश को साथ में देखा था, और मुझे लगा कि शायद एक दूसरों को जानते होंगे बाहर, मुझे ये लगा था. लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों की मतलब जो मीटिंग हुई है यहाँ ही हुई है, सेट पर हुई है. तो फिर मैंने ये सोचा कि मतलब पहले दिन से कोई इतना दोस्त कैसे बन सकता है, मतलब इतना गहरा दोस्त कैसे बन सकता है. वो अलग बात है कि इन दोनों की फीलिंग्स जो भी है वो उनकी फीलिंग्स होगी, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा. क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर किसी दोस्ती बनाऊँगा तो शायद पहले वीक में या दूसरे वीक में मेरी बनेगी, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ जेन्यून पर्सन मेरी भी दोस्ती किसी से आराम से नहीं होती, फटाफट नहीं होती. टाइम लगता है, देखता हूँ मैं इंसान कैसा है, क्या है, कैसा बात कर रहा है, उसकी सोच क्या है. तो उसके हिसाब से मैं अपना आई टेक माई स्टेप फॉरवर्ड. ओके मैं देखकर करता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि दूसरों की दोस्ती फेक है और आपकी ही रियल है? मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने हाँ ऑफ कोर्स मैंने बोला क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लगा। मैंने एक बार लवकेश से पूछा था भाई तुम एक दूसरों को कैसे जानते हो और तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसी हो गई? तो यहाँ ही बात हुई थी गार्डन में रात को हुई थी जब लवकेश को हथकड़ी लगाई गई थी। तो लवकेश ने बोला कि जो मेरी वाइब है वो विशाल की वाइब है, इसलिए हम दोनों की मैच हो गई और इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ था उस आंसर से। तो मतलब कुछ और कुछ अगर मेरा सवाल कृतिका से है, मेरा सवाल कृतिका से है। कृतिका भाभी नंबर 2, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं, आपको लगता है सभी लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी, शिवानी को आपने कहा उसे समझ में नहीं आता, जबकि शिवानी हम लोग बाहर से शो देख रहे हैं, शिवानी के पास सबसे ज़्यादा अकल थी। आप बहुत डम नज़र आ रही हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस वजह से मन ही मन सोचती है पर जवाब नहीं दे पाती। जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शट अप या कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती कि ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए, अरमान से भी रिश्ता बिगड़ ना जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा है बैलेंस ना बिगड़ जाए, और इसलिए आप डम नज़र आ रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शिवानी को जब मैं बोल रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता, जब भी कोई टास्क होता है, कोई नॉमिनेशन होते हैं, कुछ भी बात होती है, शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आया। और अब बात रही मेरी कि आप रणवीर जी से बोले, रणवीर जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ और जिस शो में मैं हूँ ना बिग बॉस में, यहाँ पर आपको रियल दिखना है। मैं बाहर भी ऐसी हूँ, अगर कोई मुझसे बड़ा, मेरी बड़ी बहन हो गई, बड़ा भाई हो गया, अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहे हैं ना तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। तो मैं रणवीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी। और बाकी जो बात आप की कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब नहीं देती, मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ, जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती। और यहाँ पर सिर्फ एक रणवीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं। अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली की कुछ बातें, तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अरमान जी के लिए भी मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे होंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापस देती हूँ। और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है उसके साथ। सना मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि आप अगर नहीं जीतेंगी तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, तो क्या उसको आपने एक सिंपैथी कार्ड के तौर पे यूज़ किया? क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मेरा ये है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ, दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अगर मैं नहीं जीती तो डिप्रेशन, क्योंकि ताकि लोग आपके प्रति तरस खाएँ और आपकी तरफ एक सिंपैथी आए। तो आपने वो सिंपैथी कार्ड खेला क्योंकि आप धीरे धीरे आप एक मजबूत मतलब कॉन्टेस्टेंट में हैं। जी सी, मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्यूसफुल माना है, मैं इस पे डिनाई नहीं करूँगी। मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोलती हूँ, अपफ्रंट बोलती हूँ। रही बात डिप्रेशन वाली वर्ड की, वो मेरी और शिवानी की कॉन्वर्जेसन थी जो शिवानी ने जाके वहाँ लीक की थी। तो मैं शिवानी को कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। और रही बात डिप्रेशन वर्ड की, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखती हूँ, मेरे दिल में वो स्कार रहती है, वेदर इट्स माई एक्सीडेंट, वेदर इट्स माई पैजेंट, मैंने आज तक मेरे दिल में वो स्कार है। तो मैं वो टाइप ऑफ बंदी हूँ जो अब अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है। तो ये सिंपैथी, मुझे किसी की पिटीनेस की ज़रूरत नहीं है, बट मैं हूँ ऐसी जो मैं दिखाती नहीं हूँ, पर मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। तो वो मैं शिवानी और मेरी वो कॉन्वर्जेसन चल रही थी जहाँ मैं शिवानी से बात करी, तो शिवानी ने जाके पूरे गाँव को बता दी, तो उसका मुद्दा बन गया। हालांकि लोगों ने मुझसे डायरेक्टली आके वो चीज़ पूछी नहीं, दे स्टार्टेड कॉन्वर्जिंग अपने, मतलब वो लोग बस बातें ही कर रहे थे कि कोई मुझसे आके पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने भी जवाब नहीं दिया। और जब सर ने भी बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि सर मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ, तो शायद अगर मैं हारी तो मुझे मलाल रहेगा कि मैं क्यों हारी, मेरा एक अपॉर्चुनिटी था मैंने उसे लूज़ कर दिया, सो आई विल होल्ड दैट थिंग फॉर मी, दैट्स इट। मुझे भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं भी गया। सर वो आपका है, मेरा नहीं, मैं अपने बता रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, फिर यहाँ ना एक्चुअली सबको जीतना है, बट बस कोई बोलता नहीं है। बस यही है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सेल्फिश लग रही हूँ, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग। आपको फर्क, बहुत बार हमने कोशिश की है आपको समझाने की क्या फ़र्क है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको शायद समझ नहीं आएगा, आप बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसीलिए बहुत चीज़ें स्मार्टली बोल देते हो, श्रूड, श्रूड अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत श्रूडली आप उसे निगलेक्ट भी कर देते हो। मुझे मतलब नहीं पता, आपको पता है या मुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत जल्दी स्नैप भी कर देते हो जहां आप गलत नहीं लगते हो। सो वही लवकेश की बात पे मैं अग्री करना चाहूँगी कि डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। ओके मेरा एक लास्ट सवाल है कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी तो सना भी कह रही थी कि उनको जीतना है, आपने भी कहा था कि आप भी अगर नहीं जीती तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती हैं, कोमा में राइट। बट हमने आपको ऐसे एक पुख्ता स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान लगते हैं और जब आप टास्क की भी बात आती है तो अरमान को आप जिताना चाहती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो रणवीर को हेल्प करते हैं, तो ये इस पर आप क्या कहेंगी क्योंकि हमें आपका पर्सनल स्टैंड नहीं दिखता है। मुझे नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क में उनकी हेल्प करी। और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फ़न कर रही थी और मैं बेडरूम में थी और मैं इस बात को मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी, तो मैं अपने टीम मेंबर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊँगी। वो एक फ़न लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क में मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणबीर का साथ देता है, तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया और जब मुझे कुछ मिला वहाँ से 2M का तो मैंने उनके साथ शेयर किया। वो तो वो क्या था ना, वो डिजर्व करते थे, जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो देगा ना। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड आप क्यों नहीं लेती? आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चली जाती हैं। देखो एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीज़ों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को बोलनी होती हैं मैं बोलती हूँ, बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अगर पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने भाई बहन के साथ आओगे तो ऑब्वियसली मैं अकेले स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी ठीक है। बिग बॉस की आवाज़ आधी रिलैक्स कि वेट कैन यू सेटल डाउन प्लीज, कुछ वक्त और बचा है आखिरी के 5 यार सेटल डाउन, हम साथ ही चलेंगे। जाके पुशअप करने लग गए तो बिग बॉस खत्म होने के बाद बाहर जाके खेलोगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। सो गैर अपनीजी आपका प्लान क्या है अभी अगले हफ्ते के लिए? मैं थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ। मैं मुझे जो खेलने का था मैं खेला, अब मेरा यही तरीका था गेम खेलने का। और मैंने कोशिश किया था टास्क में आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा फोकस शिफ्ट हो गया स्लाइटली और वो रेस मेरे हाथ से निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। उसका मेरे को भी थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं वैसे तो बहुत फास्ट हूँ, बाहर की दुनिया में लोग जानते हैं मेरे को, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो हो गया, तो मुझे थोड़ा पछतावा है उस चीज़ का। लेकिन अब ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रणवीर जी, ऑन अ लाइटर नोट आई वांटेड टू आस्क यू कि अगर यू नो आपके जो सह कंटेस्टेंट्स हैं 35 डेज से आप लोग साथ में रह रहे हो, अगर आपको इन्हें एक कहावत में डिफाइन करना है आप क्या बोलोगे फॉर ईच वन ऑफ देम? For each one of them, that's a lot of kahawats. I don't know if I can come up with so many. But yeah, like just one small one. Okay, Ranveer sir, mera sawal. Actually, can I skip this because I'm really not going to be able to think of. So one of them. One liner. Ek koi kahawat jo ekdam. मुझे तो पता है मेरी मत बोल रहे हो। मेरे को मेरे लिए बोल दो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बस प्लीज। हाँ सर, आपसे सवाल है कि हमने आपको बोलते हुए सुना कि आप तो वो 25 लाख पे ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन ट्रॉफी, ठीक है? अभी वो जोकिंग है। हाँ वो नहीं, वो यू नो के वो स्प्लिट नहीं करने वाले, एक ही बंदे को दोनों मिलनी है। फेयर इनफ, पर कहीं ना कहीं तो वो बात आई कि पैसा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज ये वक्त आ गया है कि आप जैसा मंझा हुआ एक्टर क्राफ्ट के बारे में ना सोचकर पैसों के बारे में सोच रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। बट आप कैसे कह रहे हो कि मैं क्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा? यहीं पर मैं 4 इम्प्रोव एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ, ऊपर से मेरी द थिंग इज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड बिगेस्ट रीज़न मेरे आने का था आई टोल्ड यू बिकॉज माई सन वॉज ट्रैवलिंग. सेकेंड रीज़न मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम की. जो मंझे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांझ रहे तो कहाँ का एक्टर है वो, तो इधर आके मांझूँ मैं, एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे. सो दैट्स सेकेंड. थर्ड, देर आर नंबर ऑफ projects which I have shot which were not releasing also, so it almost seemed like it's not somebody's fault. मेरी किस्मत में ही चक्का जाम हो गया था. So I had to. You also have bills to pay. I also have bills to pay. So ये इसमें आप हंडा हुआ एक्टर यहाँ आ गया. Come on, you know, I mean, be real. मैं पहली बात मैंने आपने आपको कभी इतना seriously एक्टर नहीं लिया जितना आप ले रहे हो. So I am an actor. मैंने पहले भी reality TV shows किए हैं यार. I don't want to name them. And as artists, if you know we mirror reality, that definitely doesn't mean that I can't take part in reality. So I am not the first actor जो आया यहाँ पे. I don't know why it should be such a big deal. उनका भी ये था कि are you know आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो, are you not real? I have no image to portray. मेरे images are my characters. सवाल इसलिए उठे सर क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए पैसे important है, ट्रॉफी नहीं. अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार हम लोग. वो ट्रॉफी कह रहा था मेरे को ट्रॉफी चाहिए. मैंने कहा ट्रॉफी मेरे को नहीं, मेरे को मेरी नज़र 25 लाख पे. मैंने ये बोला था. Yes. My question to the contestants on the dais, you know, especially the two females. It seems to be a male-dominated scenario right now. Please हिंदी में बात बोलिए. आप दोनों में से कौन बताएगा कि कौन जीतेगा? मेल में? हाँ, मेल में. आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि फीमेल बहुत ही कम है, दो बच्ची है? ज़रूरी नहीं है मैम कि फीमेल दो बच्ची है तो हम आगे तक नहीं जा सकते. सॉरी, आई विल टेक इट लिटिल ऑफेंसिव, बट या द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स लुक्स लाइक अरमान एंड रणवीर. So अगर जर्नी, अगर यू अग्री, डू यू अग्री? स्पेशली जर्नी की बात करूँ तो रणवीर जी, यस, उनकी जर्नी अच्छी रही है. उन्होंने हर चीज़ पे बोला है, whether it's राशन या whether it's झाड़ू पोछा, whether it's bathroom, whether it's garden, whether it's attitude, whether it's character, whether it's bitching, whether it's gossip. I think so. करियर ग्राफ बोल रही हूँ. जर्नी बिग बॉस की इनकी अच्छी रही है. सो इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस है, एज में बड़े हैं तो बड़े ले जाएं तो बेटर होगा. रणवीर, you will take away the booty. What are you going to take away? I'll quickly. What are you going to do with the booty? I was expecting this question. I'll tell you my मेरी जो preference of winners. सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं जीतूँ. अगर मैं ना जीतूँ तो अरमान जीते. अगर मैं और अरमान ना जीते तो मैं चाहूँगा कृतिका और साई जीते. अगर वो दोनों भी नहीं जीत पाते तो फिर इन तीनों में से कोई जीते. This is the order. मेरी wish list. अब क्या होगा वो बिग बॉस पर है, जनता पर है, बट दिस इज माई विश लिस्ट. और आपने बूटी के बारे में कोई सवाल पूछा था अभी. मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कॉलेज भेजना है. 25 लाख. वैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है चलती ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ मैं. DDL जगह सीन याद आ रहा है काजोल वाला, क्योंकि वो ऐसा ऐसा करके क्वेश्चंस लेना पड़ रहा है. बट देन माय क्वेश्चन गोज टू यू अरमान. आपको लेकर शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, और पहली बात तो ये अभी मेल फीमेल की बात हो रही थी, आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, आई मीन गेम प्लेटफॉर्म, रियलिटी शो, इसमें मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए. बट देन आपकी लाइफ की जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं, मुझे हमेशा से लगता है कि आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो. यू डोंट फेक इन द गेम. सो इफ आई आस्क you, who amongst these all is playing a fake game? तो आपको बताना पड़ेगा कौन गया. सना मकबूल, okay. नेजी भाई हमारे, तो दो लोग बहुत हैं बस. और क्या, और कोई नहीं. देखो जो ये आदमी है, ये मुंह पे बोलता है, चीज़ें बोलता है, सामने वाले को कम समझ में आती है, पर प्रैक्टिकल रहता है, बहस कर लेता है, मुँहजोरी कर लेता है, पर ठीक खेल रहा है. थैंक यू सो मच. अरमान, आपके लिए एक क्वेश्चन है यार. अरमान, आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो कि आप ये घर के सरपंच हो, आपको पहले ही पता हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या है. आप पहले ही नो एक प्रेडिक्शन निकाल देते हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन निकलेगा. आप बोल देते हो मेरा इंस्टीट्यूशन काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है. क्या आपको ऐसा लगता है घर में आप कृतिका के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को भी डोमिनेट कर रहे हो, बिकॉज अगर आपके खिलाफ कोई चला जाता है ना, आप उसकी बुराई तुरंत स्टार्ट कर देते हो, शिवानी हो या कोई भी हो। इस पे आप क्या कहना? अब मैं आपको बता देता हूं, आपको सरपंच तो मान लिया, बिग बॉस भी मानने लग गए। जी जी, नहीं नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सरपंच वर्ड जो है मैंने नहीं दिया, ये नेजी भाई बोलते रहते हैं, शिवानी बोलती थी, हमारे जो यहाँ से विशाली गई है वो बोलता रहता था, उन्होंने विशाल ने मुझे दिया था, इन सबनों ने, जितने भी लोग मैंने नाम लिए इन्होंने दिया था मुझे ये नाम। उसके बाद ये बोलने लगे सरपंच सरपंच, और आप ये कह रहे कि जिससे मेरी नहीं बनती। आप सोचो, जब से मैं एंटर हुआ हूँ इस घर में, मेरी विशाल से नहीं बनती, ठीक है, झगड़ा हुआ, शुरू से हुआ, लास्ट तक रहा। उसके बाद अब नेजी थोड़ा सा किसी की बातों में आ गया तो नेजी से थोड़ा मेरा झगड़ा चलता रहता है, ठीक है, सना मकबूल से मेरा झगड़ा चलता रहता है, लवकेश मेरी भी इसकी बहस होती रहती है चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सबसे ही चलता है, जो जिससे चलता है वो उधर है, जिससे नहीं चलता वो इधर है। सना, मेरा सवाल प्रेस का इस घर में आने और शो के फिनाले वीक का इस तरह एक बेहतरीन आगाज करने के लिए ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, आप सब आए, इतना पेट्रोल डाला। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है। सभी घर वाले अब फौरन घर के अंदर आ जाएं। थैंक यू। मैडम के सवाल ने हिला दिया था।